हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आप ही के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए मैं एक और वीडियो सीरीज़ को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे BPAG 174 को, ठीक है। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। ये जो पूरी की पूरी बुक है BPAG 174 की, इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, और वो भी एक वीडियो में मैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमें डिस्कस क्या करना है आज। ओके, तो ये जो BPAG 174 है दोस्तों, इसका नाम है, ये जो BPAG 174 का कोड है, इस बुकलेट का, इस बुक का नाम है सतत विकास। क्या नाम है? सतत विकास। अभी आप लोगों के स्क्रीन पर जो है ना, ये वेलकम वाला दिख रहा होगा, ये सब जो है ना, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो BPAG 174 है दोस्तों, इसमें कुल मिला के आप लोगों को 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये जो 174 है ना, इसमें आप लोगों के लिए टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स आप लोगों को पढ़ना है, और चारों के चारों ब्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, सतत विकास। क्या पढ़ना है? सतत विकास। इसी के बारे में सारे क्वेश्चंस रहेंगे और इसी पे सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब है कि ज़्यादा हम लोगों को डीपली स्टडी नहीं करना है, केवल और केवल सतत विकास को काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कैसे समझ लेना? अच्छे से समझ लेना। अगर हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब सीधे बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो 4 ब्लॉक्स है, इसमें किसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं। तो आप लोगों के सामने पहला ब्लॉक दिख गया होगा, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। और जो चैप्टर है ना, उसका नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र, सतत विकास के प्रमुख घटक, सतत विकास के दृष्टिकोण, सतत विकास के लक्ष्य। सब कुछ वही है, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, और कुछ नहीं है। अब जो ब्लॉक 2 है, इसका नाम है विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आप लोगों को 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, और ये जो नाम है आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो तीसरा ब्लॉक है, उसका नाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा, हेल्थ एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। इसमें आप लोगों को आई थिंक 3 ही दिए गए, तो 3 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला जो तीसरा ब्लॉक है, जो तीसरा खंड है, इसमें आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ने हैं। और जो चौथा और लास्ट ब्लॉक है इस बुक का, इसका नाम है सतत विकास भविष्य पथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वे फॉरवर्ड। इसमें भी चारों के चारों चैप्टर्स आपके जो है ना, वो सतत विकास से जुड़े हुए हैं। तो अभी टोटल जो है, इन्हीं, मतलब ये जो चारों ब्लॉक्स हैं, इन्हीं चारों ब्लॉक्स में जो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करना। तो ये जो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, इनमें है ना 14, कुल मिला के 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो है पहला हमारा, सतत विकास की अवधारणा की विवेचना कीजिए, अथवा सतत विकास की अवधारणा की विवेचना कीजिए, सतत विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या हम ये पूछ सकते हैं सतत विकास का उद्देश्य क्या है, या पूछा जा सकता है सतत विकास के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, अथवा आपसे ये भी पूछा जा सकता है सतत विकास के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सतत विकास की महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सतत विकास हेतु मानव संसाधन संरक्षण की एक बड़ी क्षमता है, चर्चा कीजिए, ये पूछा जा सकता है सतत विकास के घटकों पर संचित टिप्पणी कीजिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सतत विकास लक्ष्य के स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इतने सारे कुछ भी क्वेश्चन आए ऐसे वाले, ठीक है, आंसर आपको केवल एक ही लिखना। हालांकि इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करना, हमें केवल और केवल उतना ही लिखना जितना हमारे एग्जाम में आ जाए और हमारा काम हो जाए। इतना समझ में आया या नहीं आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, वहां एक पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, और वो पॉइंट है क्या है? तो वो है सतत विकास। क्या है? सतत विकास। ये वाला पॉइंट हर जगह आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि ये है क्या, सतत विकास है क्या। सबसे पहले सतत को जान लेते हैं हम लोग। ये जो सतत है ना, इसका मतलब होता है निरंतर, ठीक है, निरंतर अथवा लगातार।
और इसको हम लोग इंग्लिश में कंस्टेंट कह सकते हैं, जो अनवरत रहे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग विकास की बात कर ले, तो विकास का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब होता है? परिवर्तन। अब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन में क्या हुआ, किसी की हाथ टूट गई, किसी का पैर टूट गया, या नदी सूख गई, तो ये जो परिवर्तन है ना, ये विकास नहीं कहलाएगा, ये विनाश कहलाएगा। तो परिवर्तन में कैसा परिवर्तन? तो वो जो है सकारात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन अगर हमें देखने को मिलता है कहीं पर भी, चाहे भौतिक अवस्था हो, मानसिक अवस्था हो, उसे हम विकास कहते हैं। और विनाश का मतलब होता है, सॉरी ये वाला यहाँ तक आएगा, ये इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो विनाश, ये जो विनाश हम किसे कह सकते हैं? विनाश कह सकते हैं नकारात्मक परिवर्तन को। किसको कह सकते हैं? नकारात्मक परिवर्तन को। परिवर्तन मतलब चेंज। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं, खैर विनाश से भी हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हम क्लोज कर देते हैं, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए, तो ये जो परिवर्तन है इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं चेंज। तो कुल मिला के हम अगर मोटा मोटा सतत विकास को बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं ना, होते हैं, उन्हें हम विकास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विकास। कभी कभी सतत विकास भी कह देते हैं। अब देखिए, सतत विकास तो मैं बताऊंगा ही, उससे पहले विकास का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग अक्सर भारतीय नेताओं से सुने होंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके क्षेत्र की रक्षा करेंगे, आपके क्षेत्र का क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो विकास का क्या मतलब होता है? जैसे मान लेते हैं, आज से 20 वर्ष पूर्व 20 वर्ष पहले आप ऐसा देखते होंगे कि आपके आसपास में, 20 वर्ष पूर्व तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा समय हो गया, मैं इसको 10 वर्ष कर देता हूँ, क्योंकि अभी 20 वर्ष पूर्व कह दें तो अभी आप लोग जितने बच्चे होंगे वो संभवतः 20-22-25 साल के या 23-24 साल के होंगे, तो वो उतना उस समय की बातें याद नहीं होंगी। तो 10 साल की बात करें, 10 साल पुरानी बात तो याद होगी ही होगी। अगर कोई गाँव में रहता है तो आपने ये देखा होगा कि 10 साल पूर्व गाँव में अगर 50 झोपड़ियाँ थी, तो अभी उस गाँव में झोपड़ी की संख्या जो है ना, वो घट कर कितनी हो गई है? 20 हो गई है। क्यों हो गई भाई? तो हुई इसलिए क्योंकि चेंजेज आए। चेंजेस क्या है? परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन आए, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया, लोगों ने झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद नहीं किया, और झुग्गी झोपड़ी में पसंद नहीं करने की वजह से लोगों ने पक्की मंजिल बनवाए लोगों ने। ठीक है, तो क्या हुआ कि 50 जो झुग्गी झोपड़ियां थी वो अब 20 हो गई। ठीक है, अब ऐसा है कि 20 हो गए तो इसका मतलब है कि 30 जो झुग्गी झोपड़ियां थी वो अब क्या हो गया? पक्की मंजिलों में परिणत हो गया। तो यही जो है विकास है। अब एग्जांपल देख समझते हैं। नेता लोग कहते हैं अक्सर कि भैया, नेता लोग का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। नेता लोग कहते हैं, मान लेते एक नेता जो है वो पहुंच जाता है एक स्लम एरिया में। स्लम एरिया का मतलब हो गया झुग्गी झोपड़ी की बस्ती। कौन सी बस्ती? झुग्गी झोपड़ी की बस्ती। तो झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में एक नेता पहुंच जाता है, वो कहता है कि भैया, ओ भैया, तुम मेरे को वोट दो, तुम मेरे को वोट दो, मत दो, ठीक है, और अगर तुम वोट देते हो, मत देते हो, तो मैं तुम्हारे क्षेत्र का विकास करूंगा, मैं तुम्हारे क्षेत्र से गरीबी हटाऊंगा। ऐसा वो नेता कहता है। और जब वो नेता क्या होता है ना, जब नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, MLA बन जाता है, MP बन जाता है, या किसी पद पे पहुंच जाता है, तो बेचारा वो विकास तो करता नहीं है, वो गरीबी को तो नहीं हटाता, लेकिन गरीब को जरूर हटा देता है। जैसे वो स्लम जो है, वो स्लम एरिया में जाता है, कहता है भाई विकास करूंगा मैं, तो विकास के नाम पर क्या करता है? गरीबी को तो मिटाता नहीं है, गरीब को मिटा देता है। अब गरीब को कैसे मिटाता है? उसको उठा के किसी दूसरे जगह भेज देता है, मरने के लिए, सड़ने के लिए, गलने के लिए, और उस जगह पे जो स्लम एरिया रहता है, उस स्लम एरिया की जो जमीन होती है, उस पर वो बना देता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल। क्या बना देता है? शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बना देता है? सिनेप्लेक्स बना देता है। तो ये सब क्या है? देखिए, हालांकि जब इस नेता ने गरीब लोगों को भगा दिया,
तो ये विनाश हुआ, ठीक है, ये समस्या आ गई। इससे लोग विस्थापित हुए, लोगों के भोजन के स्तर में परिवर्तन आया, जो गरीब लोग थे उनकी जमीन उनके हाथ से चली गई। लेकिन अगर हम यही सेकंड पहलू को देखें, दूसरे पहलू को देखें, तो ये जो शॉपिंग मॉल बना, ये जो कम्प्लेक्स बना, ये जो सिनेप्लेक्स बना, ये विकास है, ये परिवर्तन है, दैट इज विकास। तो विकास समझ गए, सतत समझ गए, कॉन्स्टेंट, ये सारी बातें आप लोग समझ गए। अब सीधे चलते हैं सतत विकास को समझ लेते हैं। सतत विकास क्या है? विकास तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब सीधे सतत विकास को शॉर्टकट में बता देता हूं मैं जरा इसको इरेज कर दूं। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, कुछ ज्यादा ही काट कूट कर दिया है मैंने। चलिए मिट गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो सतत विकास हमारा मुद्दा है। अब ऑलमोस्ट आप लोग विकास समझ गए होंगे, सतत विकास का जो जो तोड़ तोड़ के मैंने आप लोगों को बताया वो तो समझ गए। हम सीधे देखिए सतत विकास होता क्या है, इसको ऐसे साधारण में समझते हैं। भविष्य के आवश्यकताओं अथवा संसाधनों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति ही सतत विकास। तो ऐसा लिखा है मैंने कि भविष्य की आवश्यकताओं संसाधनों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति ही सतत विकास। इसको हम ऐसे समझते हैं। पेट्रोल आपने सुना होगा, ठीक है, पेट्रोल हमें ऐसा सुनाया जाता है या हम ऐसा सुनते हैं कि पेट्रोल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोल, क्योंकि यह गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। गैर नवीकरणीय मतलब ये जल्दी बनता नहीं है। एक पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ को बनने में 100, 200, 500, 1000 वर्ष, ऐसे वर्ष लगते हैं। 100 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, हजारों हजार वर्ष लगते हैं पेट्रोलियम पदार्थ को बनने में। तो यहाँ पर केवल इतना कहा जा रहा है, जैसे हम अभी जिस मात्रा में पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है 5 लीटर, हम लोग वहाँ 10 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। जहाँ हमें आवश्यकता है 5 किलोमीटर जाने की और हम सीधे 5 किलोमीटर जा सकते हैं, तो हम उसको घूम करके ऐसे 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 करके 25 किलोमीटर में जाते हैं, ठीक है। हमें जाना यही है, शॉर्ट गंतव्य 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। 25 किलोमीटर नाच के हम उसी जगह पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेट्रोल जो है ना, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो जिस रफ्तार से हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, अर्ध प्राकृतिक हो, ठीक है, तो जिस भी तरह से हम संसाधनों का अभी प्रयोग कर रहे हैं, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो एक समय आएगा जब हमारी भावी पीढ़ी, मतलब हम जब मर जाएंगे, हमारे जो बाल बच्चे होंगे, हमारे बाल बच्चे के जो बाल बच्चे होंगे, तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। आया समझ में? तो सतत विकास यही कहता है कि हमें जो है संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जितने अपना इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधनों का, हम जितने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी संसाधनों का या उसी संसाधनों का इस्तेमाल भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके। तो यही सतत विकास कहती है कि भावी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उसमें भी कटौती ना हो और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति हो जाए।
और इस तरह से हम सतत विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसमें हम उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमारी जरूरी आवश्यकताएं हैं, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें और गैर जरूरत वाली चीज़ों से बचे, गैर जरूरत संसाधनों का उपयोग ना करें। यही है सतत विकास, शॉर्टकट में समझ गए आप लोग। और इसी पे पूरा का पूरा बुक, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा यूनिट आप लोगों का घूम रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पेन टैबलेट ले लिया है, भले ही आप लोगों ने पैसे नहीं दिए लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे पेन टैबलेट तो ले ही लिया है। तो अब मैं आप लोगों को बेहतर समझाने की कोशिश में लग गया हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, सारा मिट गया है, सारा इरेज हो गया, आप सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो सतत विकास तो आप लोग ऑलमोस्ट समझ रहे हैं दोस्तों। अब है कि अब मुद्दा ये है ना कि ये उठता है कि ये सतत विकास की जो अवधारणा है वो आई कहाँ से। तो सबसे पहले ऐसा सुन लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि ये जो सतत विकास है ना, इसकी अवधारणा 1987 से स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है? 1987 से। और इसकी अवधारणा की शुरुआत की थी, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, चलिए इस पर लिखता हूँ मैं। तो इस अवधारणा की शुरुआत की थी नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, नॉर्वे, एक सेकंड में इसको थोड़ा और पतला कर देता हूँ, नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, शायद उनका नाम था हरलेम ब्रुटलैंड, हाँ हरलेम ब्रुटलैंड ही नाम था, और ये जो है स्टार्ट हुआ था 1987 में। दरअसल ये जो हरलेम ब्रुटलैंड थे ये नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने देखा कि हम जिस स्तर से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भविष्य में हमें तो परेशानी होगी ही होगी, साथ में हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस स्तर से संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उस स्तर से ऐसा होगा कि एक निश्चित समय के बाद वो संसाधन बचेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रधानमंत्री के दिमाग में उस समय आई। उसने ऐसा देखा कि हम काफ़ी बृहद स्तर पर यातायात का प्रयोग कर रहे हैं, अपने सुख सुविधाओं हेतु गैर जरूरती जो है ना संसाधन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसने 1987 में एक तरह से ये मान लीजिए कि एक समिति बनाई और एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, और उसमें इसने ये सतत विकास नाम के मुद्दे को रखा। हालांकि उस समय सतत विकास शब्द उतने अच्छे से प्रचलन में नहीं था, और ये सतत विकास कब आया कैसे आया इसको लेकर के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अभी भी है। कुछ लोग कहते हैं 1987 से आया, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि 1987 इस ब्रुटलैंड कमीशन से आया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 1992 से आया, पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो समिट से आया, रियो डी जेनेरियो, तो ये कन्फ्यूजन है। तो अभी बुक के अकॉर्डिंग हम यही मानेंगे कि ये जो सतत विकास है इसकी अवधारणा स्टार्टिंग हुई नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री हरलेम ब्रुटलैंड की ओर से, और ये अवधारणा जो स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, ये था 1987 में, इस अवधारणा की स्टार्टिंग हुई थी 1987 में। और इन्होंने क्या किया था कि एक कमीशन बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था ब्रुटलैंड कमीशन। क्या? ब्रुटलैंड कमीशन, समझ में आया। और इसी ब्रुटलैंड कमीशन को ये जो है ना इसको कहा जाता है शायद, हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग, क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग, इसी को इंग्लिश में कहते हैं UNCED,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसी 1987 के इस ब्रूटलैंड कमीशन की ओर से एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसे कहा गया था हमारा साझा भविष्य। क्या कहा गया था? हमारा साझा भविष्य। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये की फैक्ट्स हैं और इस की फैक्ट्स के आधार पर आप इसी सतत विकास बुक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 8 क्वेश्चन आपको सतत विकास से ही पूछे जाएंगे और आपके लिए सबका आंसर कॉमन ही रहेगा। सबको वही लिखना वही है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदल देना है। किसी को आपने अगर एक क्वेश्चन में आपने ऊपर में कुछ लिखा तो उसी चीज़ को बदल के आपको दूसरे तरीके से नीचे लिख देना, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो ये मतलब हम मुद्दे पर आते हैं अब सीधे सीधे, आप लोग बाद में मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन इसमें आंसर कैसे करना। तो ये हमारा साझा भविष्य नाम से 1987 में इस ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा या फिर ये UNCED के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया, ये ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास आयोग के द्वारा UNCED के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसे बोला गया हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, क्या कहा गया? आवर कॉमन फ्यूचर। तो यही जो हमारा साझा भविष्य या क्या कहते हैं आवर कॉमन फ्यूचर था, इसी आवर कॉमन फ्यूचर में से धीरे 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 सतत विकास की अवधारणा का पूर्ण विकास हुआ। और मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को, कुछ लोग इसको 1987 मानते हैं, कुछ लोग इसको 1992 कहते हैं। तो 1992 क्यों कहते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसी ये जो UNCED था, इसी जो ब्रूटलैंड कमीशन के आने के बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और ये हुआ था रियो डी जेनेरो नाम के जगह पर। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो नाम के जगह पर ये वाला सम्मेलन हुआ था 1992 में। और इसी पर घोषणा, यही इसी जगह पर एक अलग से एक रिपोर्ट आया था या एक अलग से लक्ष्य तैयार किया गया जिसे एजेंडा 21 कहा गया, पॉपुलरली नोन एज रियो घोषणा। ये पॉपुलरली नोन एज एजेंडा 21 को ये रियो घोषणा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो रियो घोषणा। तो यही रियो घोषणा 1992 के बाद, फिर हर 5 वर्ष पर 92 के बाद, 1992 के बाद, ये हुआ शायद 1997 में, ठीक है, हाँ 1997 में हुआ। फिर इसके बाद हुआ था ये 2002 में, आई थिंक 2002 में। तो ये पृथ्वी सम्मेलन फिर से 2002 में हुआ था और ये हुआ था शायद जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और इसी जोहान्सबर्ग में पूर्ण सतत विकास की जो अवधारणा है उस पर चर्चा की गई थी और पूर्ण सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने की बात की गई थी। तो आई होप कि आप लोग ये जो है ना ये वाला, हाँ ये आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे सतत विकास की अवधारणा का भी, सतत विकास की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई, कैसे आई, ये समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद सतत विकास की हिस्ट्री समझ गए होंगे, ठीक है, सतत विकास की हिस्ट्री क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सारी बातें आप लोग एकदम अच्छे से एकदम क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। तो ये था एक तरह से हिस्ट्री, एक भूमिका कह सकते हैं हम, सतत विकास की एक भूमिका मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दी। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो अभी दिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत सारा लंबा चौड़ा हमने लिख दिया है इस पर, इसको मैं तुरंत डिलीट करता हूँ जस्ट, और चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो ये हो गया खत्म, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी, बुद्धू हूं मैं। अब देखिए ये तो अब आप लोग समझ गए होंगे पूरा का पूरा। अब हम सीधे चलते हैं इसमें, बाकी ये जो ये सब फलाना ढिमकाना लिखा हुआ ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अब सतत विकास का एक और मतलब एक स्लोगन मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। स्लोगन ये था कि अंतिम वृक्ष को काट दिए जाने के बाद, एक सेकेंड ये कलर चेंज कर देता हूँ,
अंतिम वृक्ष को काट दिए जाने के बाद, अंतिम नदी को विषाक्त करने के बाद, अंतिम मछली पकड़ लिए जाने के बाद, हम ये पाएंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता। और ये बात है भी सही, पैसे को खाया नहीं जा सकता है। इसी लाइन को अगर आप पकड़ लेंगे ना, पैसे को खाया नहीं जा सकता है, इसी लाइन से आप सतत विकास के बारे में 500 पॉइंट लिख सकते हैं। और इतना पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग आंख मूंद के 500 पॉइंट लिख सकते हैं। इतने मैंने हिस्ट्री बता दिया आप लोगों को, एक शॉर्टकट में मुद्दा बता दिया, सतत विकास क्या है, विकास क्या है, विकास का एक अच्छा सा एग्जांपल दे दिया मैंने आप लोगों को। तो यही तो है भैया सतत विकास, अब जानना क्या है इसमें। तो पैसे को खाया नहीं जा सकता, तो सच में पैसे को नहीं खाया जा सकता, इसीलिए कहा जाता है कि सतत विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम पैसे से थोड़ी ना जीवित रह सकते, पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं, सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, पैसे से हम एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भोजन खरीद सकते हैं। अब मान लेते हैं हम काफी अत्यधिक स्तर पर संसाधनों का दोहन कर लेंगे, पैसे से हम मतलब मान लेते हैं कि काफी भोजन खरीद, एक समय तो ऐसा भी आएगा ना कि जब हम भोजन को बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो भोजन खत्म ही हो जाएगा ना भाई। जब हम भोजन को पैदा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, अनाज को उपजाएंगे नहीं, तो कितना भी हम अनाज खरीद ले मार्केट से, तो एक समय के बाद तो उसका खत्म होना तय है। इस वजह से कहा जाता है कि पैसे को खाया नहीं जा सकता है, इसलिए कृपया से आप लोग सतत विकास को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें और संसाधनों का उतना ही उपयोग करें जितना की आवश्यकता है। और उपयोग जो आप करते हैं, जो उपभोग आप करते हैं, तो कम से कम उत्पादन पर भी नजर डालें, उत्पादन भी करें, तभी तो उपभोग करेंगे। केवल और केवल उत्पादन उपभोग कर लेने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि उत्पादन में भी आपकी जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। यही सब है, यही सारी चीजें सतत विकास है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ से शॉर्ट में मैं आप लोगों को कुछ लाइनें दिखा देता हूँ, आप लोग कुछ लाइनें देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम निर्णय करते समय समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित प्रभावों का विचार कर लेना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे निर्णय एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते तथा हमारे कार्य का भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सतत विकास ये कहना चाह रहा है कि भैया देखिए, हम जो भी निर्णय लेते हैं, हम जिस भी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसका जो प्रभाव होगा समाज पर, पर्यावरण पर और अर्थव्यवस्था पर, पहले हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं और हम जो कार्य कर रहे हैं, यह दूसरे को प्रभावित कर रहा है। और हमारे कार्य जो है वो वर्तमान को तो प्रभावित कर ही रहा है और भविष्य को भी प्रभावित करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का जो मेरा निर्णय है, ये पढ़ाने का जो मेरा कार्य है, इससे ये जो मैं बक रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये केवल मेरे लिए है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये आपके लिए है। तो ये जो मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है पढ़ाने का, या मेरे द्वारा जो पढ़ाने का निर्णय लिया गया, इससे आप भी प्रभावित हो रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि आप अभी वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं, ये आपको प्रभावित कर रहा है, ये वीडियो आपके मस्तिष्क में जा रहा है, आपके सोच को बदल रहा है। लेकिन क्या अभी तुरंत जो आप देख रहे हैं इसके बाद इसकी जो प्रभावशीलता है वो खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो सीखा, जो जाना, वो भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। या फिर मैंने जो कार्य किया है अभी, मैंने जो ये वीडियो बनाया, ऐसा है क्या ये आपके देख लिए जाने के बाद खत्म हो जाएगा, यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, किधर चला जाएगा? ऐसा नहीं है, ये आपको तो प्रभावित कर रहा है वर्तमान में। भविष्य में जो आगे एग्जाम होंगे जून 2022, इसके बाद दिसंबर 2022 मान लेते हैं, तो क्या उन छात्रों के लिए ये उपयोगी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब भविष्य में जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे वो उनके लिए उपयोगी होगा। तो इसका मतलब होगा कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णय, जो वीडियो बनाने का निर्णय है, और मेरे द्वारा जो किया जा रहा कार्य है, ये आपको वर्तमान में प्रभावित तो कर ही रहा है, लेकिन भविष्य में जो बच्चे आएंगे उनको भी प्रभावित करेगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब पर्यावरण और समाज पर देखते हैं। हम एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं, बाइक का, इसका समाज पर क्या प्रभाव
पड़ता है। अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो हम ये माने जाएंगे, अगर हम गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं और सामने वाले समाज में साइकिल का चलन है, तो हमारे वो साइकिल के जो लोग, साइकिल वाले जो लोग हैं, वो ये मानेंगे कि हम गाड़ी पर चढ़ना इसका मतलब है कि हम क्या हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, अमीर हैं, ये तो माना ही जाएगा। अब सामाजिक प्रभाव देख लिया आपने, देख लिया कि हमारा जो गाड़ी पर चढ़ने का निर्णय था, इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ा, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब पर्यावरण की बात करें, अब चूंकि हम गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, गाड़ी पर चढ़ने का निर्णय मेरा है, तो पर्यावरण संबंधी क्या, अब हम ज़्यादा मात्रा में गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो CO2 निकलेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, शायद CO है, हाँ CO है शायद कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये सब जो गैसें हैं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, पर्यावरण पर उल्टा प्रभाव डालेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से पर्यावरण को नुकसान करेगा। तो हमारा ये गाड़ी पर चढ़ने का निर्णय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था सिंपल में अर्थ की बात कर लेते हैं, धन की बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कार है मेरी, जाना है 10 किलोमीटर, रास्ता है सीधा, और हम जा रहे हैं ऐसे करके लहरिया कट मारते हुए पहुंच रहे हैं यहाँ पे, और हमारा जा रहा है 25 किलोमीटर का तेल। अब 25 किलोमीटर का तेल बेकार में जा रहा है, जबकि 10 किलोमीटर के तेल में, 10 किलोमीटर के जो तेल में पैसे लगते उससे हमारा काम चल रहा था, तो हम 25 किलोमीटर क्यों जाएं। तो इस तरह से एक जो हमारा निर्णय है वो समाज को, पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था को, सबको प्रभावित करता है। हमारा निर्णय वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सतत विकास यही कहता है कि भैया आप जो निर्णय ले रहे हैं इससे आप तो प्रभावित हो रहे हैं, आपका वर्तमान, भविष्य, आपके इर्द गिर्द सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, और इतना जरूर प्रयास करेंगे या इतना जरूर प्रयास कीजिए कि उस निर्णय से दूसरों को हानि ना हो या दूसरों को क्षति ना हो। अगर क्षति हो भी जाती है तो इतनी हो कि जिसकी भरपाई तुरंत हो जाए। इतना क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यहाँ ये लाइन लिखा हुआ भी है संक्षेप में, सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये जो परिभाषा है ये दो महत्वपूर्ण बातों को उजागर करती है। पहला है कि प्राकृतिक संसाधन न केवल हमारे जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है, मतलब ये जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, ये जो प्रकृति ने जो अमूल्य उपहार हमें भेंट स्वरूप दिया है, यह केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के जीविकोपार्जन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। मतलब जितना प्रयोग हम इसका खुद कर रहे हैं उतना ही प्रयोग जो भविष्य की पीढ़ी है उसको भी करना है। तो यही कहा जा रहा है इस परिभाषा के माध्यम से कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप भेंट की है, तो हम केवल इस प्रकृति से उतना ही लें जितना कि हमें आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, और बाकी बचे उनके लिए छोड़ दें जो भविष्य में हमारे बाद आएंगे। और ये जो जीविकोपार्जन है, यही प्रकृति, यही प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन यापन का एक अभिन्न अंग है। यही प्राकृतिक संसाधन जीवन यापन का, हमारे जीवन के, भविष्य के, वर्तमान के जीवन यापन का स्रोत है। इतना क्लियर, आई होप समझ में आ गया। दूसरी, वर्तमान में किसी भी प्रकार के विकास संबंधी कार्यों को करते समय उसके भविष्य में आने वाले परिणामों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो मतलब दूसरी बात ये कह रही है यह परिभाषा कि भाई देखिए, जो भी आप करते हैं वर्तमान में, जो भी कार्य करते हैं, तो उसके पहले आप जो है ना उसके भविष्य में आने वाले परिणाम को देख लीजिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भविष्य में आने वाले परिणाम देख लिए हैं कि वर्तमान में तो बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन भविष्य में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सतत विकास की संकल्पना, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कैसे आया, कब आया। 1987 तत्कालीन प्रधानमंत्री क्या थे, हार्लेम ब्रुटलैंड थे, ठीक है, और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसको नाम दिया गया था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। धीरे 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 यही चीज सतत विकास के रूप में परिणत हो गई। इतना क्लियर हुआ, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है जो कहना क्लियर, तो मैंने इसको कहीं से फोटो खींचा और यहाँ पर लगा दिया है ताकि मैं इसको आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ।
बाकी यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। और ये PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी केवल और केवल, सॉरी ये मैं एक सेकेंड, ये PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी @30 rupees, जिसको भी चाहिए 30 रुपये में मिल जाएगी ये PDF। व्हाट्सएप और 9523779253 यहाँ पर से आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं www.ignutipsassignment.com, ignutipsassignment.com ठीक है। आप चाहे तो इंस्टा मोजो की लिंक से भी ले सकते हैं, वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो जाएंगी। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन के लिए या फिर कुछ भी पर्सनल जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर कुछ भी पर्सनली आपके डिग्री मार्कशीट रिलेटेड कुछ भी समस्या है, इग्नू रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टा मेरी इंस्टा आई डी है @mohnish, सारी चीज़ें स्मॉल में mohnisharyan, नीचे एक छोटा सा स्लैश, इसको मैं इधर लिख देता हूँ mohnisharyan, नीचे ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया, अब चलते हैं आगे, ये सब डिलीट, अब आगे चलते हैं। अब अगला है सतत विकास के उद्देश्य। जो ये जो सतत विकास आया था ना, ये जो सतत विकास की जो अवधारणा आई, तो आखिर किसी ना किसी बात को ध्यान में रख के ही आई होगी, तो वो उसका उद्देश्य क्या है। चलिए तो ये देखिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सतत विकास जो है मानव के अस्तित्व की बुनियादी शर्त है। मानव का अस्तित्व जब तक रहेगा तब तक विकास होगा, और जब विकास होता रहेगा इसका मतलब है कि तब तक संसाधनों का उपयोग होगा। इसलिए इतना ये कहा गया है कि सतत विकास मानव के अस्तित्व की बुनियादी शर्त है। इसका मतलब है कि जब तक मानव का अस्तित्व है तब तक विकास होता रहेगा, तब तक सतत विकास होता रहेगा। मानव पृथ्वी पर तभी तक है जब तक अन्य पशु पक्षी और पौधे, इसका मतलब यही है कि जब तक अन्य पशु पक्षी पौधे बचे हैं तभी मानव है। अब मान लेते हैं मछली बचेगी ही नहीं तो मानव मछली खाएगा कैसे, अब मछली नहीं खाएगा तो दिक्कत है, पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा तो भैया मानव कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि मानव एक हेटरोट्रॉप है। क्या है? हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप का मतलब समझ में आता है, साइंस में पढ़े होंगे, बायो में, इनफैक्ट ये 7-8 का टॉपिक है, बायो कॉमन साइंस जब चलता है सभी बच्चों के लिए, उस समय भी ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स पढ़ाए जाते हैं। हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स को बोलते हैं स्वपोषी ठीक है, और हेटरोट्रॉप्स को बोलते हैं परपोषी। तो मानव परपोषी है, परपोषी का मतलब दूसरों पर आश्रित है, अपने भोजन हेतु दूसरों पर आश्रित है, चाहे तो साग सब्जी पर आश्रित है, साग सब्जी ठीक है। साग सब्जी का क्या मतलब हुआ, जो हम लोग खाते हैं पेड़ पौधे घास फूस जिसको बोल सकते हैं ठीक है, और या नहीं तो अगर थोड़ा बहुत मछली मीट मटन चिकन इसी सब पे आश्रित है, तो ये परपोषी जीव का लक्षण है क्योंकि ये खुद से भोजन बनाता नहीं है। तो यही है कि मानव पृथ्वी पर तभी तक है जब तक अन्य पशु पक्षी और पेड़ पौधे, जब तक पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मानव का जीवन असंभव है। पानी पी के तो भैया जिंदा नहीं रह सकता ना हमेशा इंसान, पानी 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको बचाए रख सकता है, जीवन भर तो नहीं बचाएगा ना। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्र रूप से हमारा पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, परपोषी दूसरों पर आश्रित है हम। क्या है ये देखिए, इसको डिलीट करता हूं मैं, हम लोग परपोषी हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, दूसरों पर आश्रित हैं। क्या है? दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। Am I right? अब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब है कि हम दूसरों पर आश्रित हैं या अथवा दूसरे संसाधनों पर आश्रित हैं। आया समझ में? अब दूसरे संसाधनों पर आश्रित हैं, तो जो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब है कि हम जिन संसाधनों पर जिस पर आश्रित है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए ना भाई।
तो यही है सतत विकास। सतत विकास यही कहता है, आप जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं आप उनकी कद्र कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, और भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ संसाधन छोड़ दीजिए, ताकि उसे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, इंसान की सबसे बुरी फितरत है, इंसान की सबसे बुरी फितरत है कि उन्हें मुफ्त में मिली हुई जो चीज़ होती है ना, उनका वो इज्जत नहीं करते, उनकी इज्जत वो नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ, वीडियो वो अच्छे से देखते नहीं है, वीडियो देख भी लेते हैं तो दो बातें सुनाकर चले जाते हैं। तो मतलब ये मुफ्त में जो चीज़ें मिल रही है ना, तो उनकी इज्जत वो नहीं करना जानते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना देता हूँ, मैं पीडीएफ के लिए कभी बोलता हूँ 30 रुपये चार्ज करूंगा, कभी बोलता हूँ 25, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत किया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो मेरे को कहते हैं कि भाई कुछ मदद करना भी सीख लिया करो करो, वो व्हाट्सएप करके बोलते हैं भाई हेल्प करना भी सीख लिया करो। अब बताइए भाई, मैं 2 घंटे की मेहनत करके वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये हेल्प ही तो कर रहा हूँ मैं, और कुछ कर रहा हूँ क्या? हेल्प ही ना कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए कोई चार्ज मांगा क्या आपसे? बिल्कुल नहीं मांगा। ये जो मेरी मेहनत लगी पीडीएफ में, जो मैंने स्टाफ्स को दिया, जो भी पैसे दिए, तो उसके लिए तो थोड़ा तो चार्ज करूंगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंसान की सबसे बुरी फितरत है कि वो मुफ्त की में मिली चीज़ों का कोई इज्जत करना नहीं जानते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इन प्रकृति ने जो चीज़ें, प्रकृति ने जो संसाधन हमें भेंट किए हैं मुफ्त में, हम उनकी कद्र नहीं करते हैं। तो सतत विकास यही कहता है कि भाई आप जो कद्र नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप इन चीज़ों की, इन संसाधनों की कद्र कीजिए। क्योंकि अगर आप इसकी कद्र नहीं करेंगे, आप इसका सम्मान नहीं करेंगे, आप इसका आदर नहीं करेंगे, तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, और इसके खत्म होने से आपको ही परेशानी होगी। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ घर का। माता जी आपके लिए भोजन बनाती हैं, बिल्कुल बनाती होंगी ना। तो माता जी, आप जिस माता जी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो आपके नज़र में ये माता मुफ्त की हैं। आपके लिए भले ही माता 56 भोग बना दे, बहुत सारा भोजन बना दे, लेकिन भोजन में नमक या कुछ मसाले कम रह गए तो आप भोजन फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि माता द्वारा जो भोजन बनाया वह मिला है ना आपको, वो मुफ्त का मिला है। पिताजी जो पैसे कमा के लाते हैं, कितने कमा के लाए, क्या करके लाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जीभ में स्वाद नहीं लगा, आपने उसे फेंक दिया। आया समझ में? माता मुफ्त में मिली, पिता मुफ्त में मिले। लेकिन अगर दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं, ये सारी मुफ्त की चीजें थी जिसको आप फेंक रहे हैं। पत्नी हो गई आपकी, किसी दूसरे की बेटी है, ठीक है, दहेज स्वरूप आपने उसको प्राप्त किया है, शादी करके लाए हैं, तब वो जो भोजन बनाएगी ना, 100 में से 90 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि उसके भोजन को नहीं फेंकेंगे। अगर वो टिंडे देगी बना करके तो आप टिंडे खाएंगे, अगर भिंडी देगी तो भिंडी खाएंगे। ऐसा मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मतलब मैं फिल्मों में जो देखता हूँ वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक तो पत्नी जो आपको प्राप्त हुई है ना, ये मुफ्त की नहीं है, ये मुफ्त की नहीं है। क्यों मुफ्त की नहीं है? क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही है ना, तो आपके पैसे लग रहे हैं, आप जो कमा कर ला रहे हैं इसकी, इसमें पैसे भर रहे हैं आप। ये जो पत्नी आपको मिली है दहेज के स्वरूप मिली है, दुनिया के सामने इसको दिखा के आप लाए हैं कि भैया मैं इसे शादी कर रहा हूँ, इसकी सारी कमी और इसकी सारी समस्याएं मेरी होंगी। आया समझ में? तो ये जो भोजन बना के देती है, आप इसको हंसी खुशी ग्रहण करते, चाहे उसमें नमक हो ना हो, चीनी हो चाय में हो अथवा ना हो, तो आप इसकी कद्र कर रहे हैं। और तो और, खैर जो आप कहिए सो किए, फिर जो आप भोजन खा रहे हैं, क्योंकि उस समय एक समय के बाद आप खुद कमा रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं आपको उसी को खर्च करके आप खा रहे हैं, तो आप कद्र करना सीख जा रहे हैं। तो यही है एक तरह से मुफ्त में मिली हुई चीज़ों का कद्र नहीं करना, और पैसे देकर या मेहनत से मेहनत लगा कर की गई चीज़ों की कद्र करना। तो सतत विकास यही कहता है कि कुछ भी हो, जो भी चीज़ें आपको मुफ्त में मिली है, प्रकृति ने जो भेंट की है आपको, जो अमूल्य उपहार भेंट किए हैं, आप उनकी कद्र कीजिए, ठीक है, आप उनका सम्मान कीजिए, और साथ ही जिस भी संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रकृति प्रदत्त, उसको आप भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए, ताकि भविष्य की पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, सतत विकास के जो उद्देश्य है ना, उसके उनमें से कुछ उद्देश्य ऐसे हैं, गरीबी निवारण मतलब गरीबी खत्म हो जाना चाहिए, सतत आजीविका मतलब ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, उसको प्रतिदिन का कुछ पैसा तो आना ही चाहिए, जिससे कि उसकी आजीविका चल सके, उसकी रोजी रोटी चल सके, उसका जीवन यापन
हो सके। इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियां, आप ऐसे ही गतिविधियों का प्रयोग करें, या सतत विकास यही कहता है कि मनुष्य ऐसी ही गतिविधियों का प्रयोग करे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ऊर्जा दक्षता होनी चाहिए, आप जिस तरह के ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो दक्ष होना चाहिए, उसमें हास्य नहीं होना चाहिए। जैसे लकड़ी, लकड़ी से अगर आप भोजन बना रहे हैं तो 5 क्विंटल लकड़ी से आप अगर 50 kg भोजन बना रहे हैं, 5 क्विंटल लकड़ी की कीमत है मान लेते हैं 5,000 रुपये, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए LPG या CNG से बना रहे हैं, LPG या CNG से बना रहे हैं और 50 kg भोजन बनाने में आपको खर्च हो रहे हैं 10 kg या 20 kg गैस, और उसके लिए चार्ज आ रहा है 2,000 रुपये। तो बताइए ऊर्जा दक्षता में कौन ज़्यादा है। देखिए, एक तो लकड़ी गंदगी फैलाएगा, जलने के बाद राख बनेगा, वो गंदगी हुआ, और ये ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, तुरंत ये होगा नहीं, लकड़ी जो जल गया सो खत्म हो गया, ठीक है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। और वहीं दूसरे सिचुएशन को देखिए, LPG CNG प्राकृतिक गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, प्राकृतिक हवाओं को जो कंप्रेस करके गैस बनाया गया वो, ठीक है। अब ये 20 kg लग रहा है, 5 क्विंटल कहाँ लग रहा था, कहाँ, यहाँ 20 kg लगा और ये 2,000 में हो गया, 50 kg का खाना बन गया, गंदगी नहीं हुई, पर्यावरण में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो ऊर्जा दक्षता होनी चाहिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, उत्पादन अवसरों का विकास बता चुका हूँ, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता ये बता देता हूँ। नवीकरणीय समझते हैं, बता देता हूँ, नवीकरणीय का मतलब हो गया वैसी चीजें या वैसी वस्तुएं जिसको पुनः से प्राप्त किया जा सके, जिसको जिसका निर्माण पुनः से हो सके, जैसे सूर्य की किरणें। अब ये बताइए ये कभी खत्म होगा क्या? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि ये अनंत है। तो ये नवीकरणीय हुआ क्योंकि अगर इसकी इसको हम खर्च भी कर लेते हैं, इसकी किरणों को हम खर्च भी कर लेते हैं अपने किसी चीज के अभी अपने किसी इस्तेमाल में, तो ये खत्म नहीं होने वाला है। जितना हम इस्तेमाल करेंगे इससे ज़्यादा तो ये खुद ही बना देगा। और नवीकरणीय संसाधनों में जैसे हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, सोलर लाइट लगा दिया हमने घर में, कहाँ बैटरी चार्ज करने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते थे, लाइट आती थी, लाइट वाले को पैसे देते थे, मतलब बिजली वाले को पैसे देते थे चार्ज करने का अलग, फिर वो चार्ज हुआ बैटरी, फिर वो उससे बल्ब जला, फिर वो डिस्चार्ज हो गया, फिर पैसे लग रहे हैं, हर बार चार्ज करने का पैसा लग रहा है, एक समय का बैटरी ख़राब, बैटरी ख़त्म, फिर आप बैटरी बदलिए। इस सौर ऊर्जा ले लेते हैं, सोलर प्लेट लगा दी हमने, सौर ऊर्जा को क्या सूरज दादा को पैसे देने जाएंगे? भैया सूरज दादा 5 रुपये ले लो, अब आपने दिन भर मेरा सोलर चार्ज किया है, तो नहीं ना लेने जाएंगे। तो नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता सतत विकास का एक उद्देश्य है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सतत विकास के मूलभूत विचार, इसको देख लेते हैं जरा। तो सतत विकास का जो मूलभूत विकार है उसमें है नवीकरणीयता, रेनवेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो पहले ही बता चुके हम कि जो ये नवीकरणीयता है इसका मतलब ये है कि हम जिस भी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम 10 उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 अगर हम खपत कर रहे हैं 10 पॉइंट, तो वो जो है ना बनना चाहिए कम से कम 12। ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं और बन रहा है 8, मतलब 2 पॉइंट का हास्य हो रहा है। तो ये इसकी भरपाई कैसे होगी? और एक समय ऐसा भी आएगा कि हर समय 10 पॉइंट में 2-2 पॉइंट का हास्य हो रहा है, एक समय ऐसा भी आएगा कि 10 का 10 पॉइंट यूज कर लेंगे और बनेगा एक भी पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट बनेगा, तो उस समय क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी भविष्य की पीढ़ी को। तो ऐसा प्रयास करना है कि नवीकरणीयता बनी रहे, मतलब हम जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन भी नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें जो है ना इस्तेमाल की दर उत्पादन के दर से कम होनी चाहिए, मतलब जितना इस्तेमाल किए वो कम होना चाहिए उत्पादन के दर से। इतना क्लियर हुआ। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन है ना उसकी जो अपक्षय दर है, मतलब वो जो खत्म हो रहा है, तो वो हमेशा ही बनने वाले दर से कम होना चाहिए। ऐसे इसका मतलब ये समझ लीजिए, जो गैर, मतलब मान लेते हैं एक संसाधन है, ठीक है, 5.5 यूनिट इसका खपत हो रहा है, ठीक है, तो जो बन रहा है ना वो कम से कम 7 बनना चाहिए, ठीक है। नहीं आया समझ में? इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या कह रहा है। ये यही कह रहा है कि जो हम गैर नवीकरणीय संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका हम इतना ही इस्तेमाल करें
जितना कि ये बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम 7 बन रहा है, तो हम 5 ही इस्तेमाल करें, 2 हम ऐसे ही छोड़ दें, 2 को हम ऐसे ही छोड़ दें ताकि भविष्य में इसका विस्थापन होता रहे। एक समय ऐसा भी आएगा कि 5 धीरे धीरे हर में 2 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि हम 5 खपत कर रहे हैं और 25 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन जारी है और इससे हमारे भविष्य को कोई नुकसान नहीं होगा, भविष्य की पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब है अंत निर्भरता। तो देखिए ऐसा है भाई, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना किसी भी संसाधन का इतना इस्तेमाल ना कर, मान लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पर हम रह रहे हैं और यहाँ पर कोई दूसरा समाज रह रहा है, और यहाँ पर गेहूं का प्रचलन काफी है, ठीक है, यहाँ भी गेहूं का इस्तेमाल होता है, यहाँ भी गेहूं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पर 50 कुंटल गेहूं की उपज हो रही है, यहाँ पर 2 कुंटल गेहूं की उपज हो रही है, अब हम सभी मिलकर के यहाँ 50 के 50 कुंटल गेहूं को खा पी जा रहे हैं, और यहाँ पर जरूरत है 25 कुंटल गेहूं की, और यहाँ उपज है 2 क्विंटल, तो यहाँ 25 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति कैसे होगी? तो ये अंतर निर्भरता यही कहता, अंत निर्भरता यही कहता है, अंतर निर्भरता यही कहता है कि भाई देखिए, आप जिसका भी जिन भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप जिनका भी उत्पादन कर रहे हैं, तो केवल और केवल अपने लिए मत कीजिए, ठीक है, साथ में आप आसपास में जो लोग हैं जिनको कि इन संसाधनों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति को ध्यान में रख के भी आप उत्पादन कीजिए। मतलब अगर आपकी ज़रूरत यहाँ 50 है और यहाँ ज़रूरत 25 है और 2 उपज हो रहा है, तो कम से कम आप इतना प्रयास कीजिए कि नहीं 25 तो कम से कम 20 क्विंटल ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाए, मतलब टोटल 70 70 क्विंटल अगर हो जाए तो 50% यहाँ यूज हो जाएगा, 50 क्विंटल, और बाकी 20 क्विंटल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हम संसाधनों का इतना भी उपयोग ना कर लें कि दूसरा समुदाय उस संसाधन के उपयोग से वंचित ना रह जाए, या फिर हम ऐसा भी ना करें कि जो संसाधन है, जो बुरे संसाधन है उसका उसको दूसरे जगह भेज दे, और जो अच्छे संसाधन है हम उसको अपनी ओर खींच ले। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ जैसे यहाँ पर ये एक क्षेत्र है, ठीक है, अच्छे संसाधन के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पर हमने प्लास्टिक में हमने 50 लोग थे यहाँ पर, और 50 लोगों ने प्लास्टिक में अपने कुछ सामान मार्केट गए, 50 लोग मार्केट से सामान लेकर आए और सब प्लास्टिक में लेकर आए, तो प्लास्टिक एक अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है, यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। और 50 लोग सब कुछ लेकर आए और 50 लोगों ने ये प्लान बनाया कि भैया ठीक है सभी प्लास्टिक लाओ, 50 लोगों ने प्लास्टिक जमा किया और पहुँचा दिए इधर, ये सॉरी ये वाले में, इस वाले में। अब यहाँ के लोग अब प्लास्टिक से अब मर रहे हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल तो मतलब प्लास्टिक तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, अब यहाँ पर 50 के 50 लोगों ने प्लास्टिक जमा कर दिया, अब यहाँ पर जो 25 लोग थे उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि जो प्रदूषक हैं उसको दूसरे जगह भेज दिया और अच्छी चीज़ों को अपनी ओर खींच लिया, तो ऐसा नहीं करना है। अनुकूलनशीलता, तो ये जो सतत विकास है, ये क्या, ये सतत विकास में ये है कि देखिए जो ये कहती है, सॉरी, सतत विकास में जो अनुकूलनशीलता है वो ये कहती है भाई देखिए, हम विकासशील समाज में रहते हैं, हम परिवर्तनशील समाज में रहते हैं, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है ना हमें उसके अनुसार ढलना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें समाज में आसपास में इर्द गिर्द में परिवर्तित हो रही हैं हमें उसके अनुसार बदल जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यह एक गाँव है, यहाँ पर कुछ लोग पहले कच्ची सड़कों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद ये सड़कें हो गई पक्की, तो अब बताइए गांव के कुछ बूढ़े लोग कहेंगे नहीं भैया हमको मिट्टी के सड़क पे ही चलना है, तो क्या ये पॉसिबल है, संभव है? क्योंकि अब वो तो सड़क पक्की हो गई है, सड़कें पक्की है, तो भैया चलना तो सड़क पक्की सड़कों पर ही पड़ेगा। तो अब होगा क्या, अब होगा यही कि ये जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं इसको इस पक्की सड़कों पर चलने की आदत डालनी होगी, इसके अनुसार ढलना होगा। तो यही है कि अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, परिवर्तनशील समाज में हमें खुद को बदलने की क्षमता रखनी चाहिए, और नई नई तकनीकों और शोध आविष्कार के हिसाब से हमें अपने सुविधाओं, अपने संसाधनों के इस्तेमाल में परिवर्तन करते रहना चाहिए। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। संस्थागत प्रतिबद्धता, ये जो है ना आपको सतत विकास के मूलभूत विचार का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। अब देखिए सतत विकास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए जिसको अगर लागू किया जाए तो लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। सतत विकास में कहा जाता है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं,
या अगर सरकार छोड़ दे, वो बोले कि भाई तुम गरीबों की मदद करो, आप में से कितने लोग जाएंगे, या मैं खुद क्या क्या जाऊँगा गरीबों को भोजन देने के लिए? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अगर यही सरकार कहे कि भैया तुमको करना है, कम से कम 5 गरीब लोगों को भोजन करवाना है, तो मजबूरन हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सरकार ने कहा है, बाध्यता है हमारे साथ। तो ये संस्थागत प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यह एक तरह से मूलभूत विचार था आपको सतत विकास का, जिसमें कहा गया कि संस्थाएं तो होनी ही चाहिए जो कि इस तरह के संसाधनों के इस्तेमाल पर, संसाधनों के प्रबंधन पर काम करें, ठीक है, और ये लोगों और संसाधनों के बीच में समन्वय स्थापित करें। तो यह था सतत विकास के मूल विचार। अब आगे बढ़ते हैं सतत विकास के मानक। तो सतत विकास के आई थिंक 3-4 मानक है सर, 4 मानक, हाँ 4 मानक है, एकदम सही। तो पहला मानक है अंतर पीढ़ीगत समता। तो पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि सतत विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए 4 मानक है। कैसे हम जानेंगे कि सतत विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? तो सबसे पहला है अंतर पीढ़ीगत समता। तो इसमें यह होता है कि विभिन्न पीढ़ियों के बीच, जैसे एक पीढ़ी ये रही बाप की पीढ़ी, बेटा की पीढ़ी, पोता की पीढ़ी, तो ऐसा देखा जाता है कि तीनों पीढ़ियों के बीच जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग हुआ या नहीं हुआ, उसका अनुकूलतम उपयोग हुआ अथवा नहीं हुआ, आया या नहीं आया समझ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बाप ये जो दादा था ये 5 किलोमीटर बाइक चलाता था, 5 किलोमीटर की आवश्यकता उसे पड़ती थी, और दादा का जो बेटा हुआ, मतलब बाप जो हुआ, पोते इस लड़के का बाप जो हुआ, ये 10 किलोमीटर बाइक चलाता था। तो ये दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही बाइक चलाते थे, इन्हें कहीं जाना होता था और जाते थे। अब ये जो पोता हुआ ये सारा निकल गया नालायक, ये 50 किलोमीटर बाइक ऐसे ही चला देता है। तो ये बताइए यहाँ पर संसाधनों का एक नीतिपूर्ण उपयोग हुआ क्या, अनुकूलतम या विवेकपूर्ण उपयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जो अंतर पीढ़ीगत समता है यह एक तरह का ऐसा मानक है जिसमें यह देखा जाता है कि जो अलग अलग पीढ़ियां हैं इनमें संसाधनों का कितना विवेकपूर्ण उपयोग हुआ है, कितना सही उपयोग हुआ है और कितना नहीं हुआ है। इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी अंतर पीढ़ीगत समता में कहा जाता है कि विकल्पों का संरक्षण होना चाहिए, मतलब प्रत्येक पीढ़ी को यह चाहिए कि वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिवर्तन इस तरीके से करे कि आगामी पीढ़ियों के पास यह विकल्प मौजूद हो कि वह अपना विकास अपने तरीके से कर सके, ना कि पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में ही लगे रहे। तो अब ऐसा है भैया, देखिए जो पहली पीढ़ी ने 5 किलोमीटर का यूज किया था, दूसरी पीढ़ी ने 10 किलोमीटर किया चला, लेकिन ये जो तीसरी पीढ़ी ने 50 किलोमीटर किया, इसको चाहिए था कि ये इसका इस्तेमाल 2 किलोमीटर करे ताकि संसाधन और बचे, क्योंकि इन लोगों ने भी संसाधन का इस्तेमाल किया थोड़ी, मान लेते हैं यहाँ 100% संसाधन थे, तो इसने जो इस्तेमाल कर लिया, ये जो पहला वाला था, पहले वाले ने जो संसाधन का इस्तेमाल किया, तो जरूर है कि 10% इसका हास्य किया होगा, 10% तो इसने यूज किया ही किया होगा। अब 10% तो इसका मतलब यहाँ 90% बच गया, यहाँ 90% बच गया। अब इसने कर लिया 90%, अब इसने मान लेते हैं 20% का इस्तेमाल कर लिया, तो ये जरूर है कि ये तीसरी पीढ़ी में आने के बाद 70% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 70% हुआ ना भाई। अब 70% में जब ये पोते की बारी आई तो इसने साले को 50% का यूज कर लिया, तो अब बचा क्या? इतना 20% का संसाधन बचा जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसके पास 20% ही संसाधन रह जाएंगे। मान लेते हैं जंगल था इतना बड़ा 50 हेक्टेयर का, अब उसमें से एक पीढ़ी दादा की पीढ़ी ने 10 हेक्टेयर का जंगल काट दिया, दूसरी ने आया 5 हेक्टेयर का काट दिया, तीसरा आया वो 20 हेक्टेयर का काट दिया, तो 20, 10, 30, 5, 25 हेक्टेयर तो खत्म हो गया, बाकी बचा 25, तो 25 का इस्तेमाल कौन करेगा? जो इसके आगे आने वाली पीढ़ी होगी। तो यहाँ देखिए था तो 50, हास्य तो हुआ, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि इसका अगर मान लेते यही पे 10 की 10 ये जो इसने हास्य किया ये 8 करता, ये जो 5 किया ये कम से कम 3 कर लेता, और ये 20 किया तो ये 15 कर लेता, तो 15 3 18 8 26, तो 15 3 18 ये वाला इसने 10 किया तो इसको 8 करना था, ठीक है, ये रंग कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक ने 10 किया तो पिछले में 10 किया तो इसको पहले 8, ठीक है, और इसने अगर 5 किया तो इसने इसको कर देते हैं 3, ठीक है, और इसने किया 20 तो इसको कर देते हैं 18, हाँ 18 कर देते हैं, तो 18 8 26 8 8 16 26 और 3, तो 26 दिन कितना हो गया 29। रुकिए ये वाला पूरा कंसेप्ट ही गलत हो गया, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ये वाला इसको मिटा के मैं इसको समझाता हूँ, इस एग्जांपल को मैं फिर से समझाता हूँ।
मान लेते हैं यह एक जंगल है, तीन पीढ़ियां हैं, ये 50 हेक्टेयर का एक जंगल है। इसमें पहले वाले ने 5 हेक्टेयर का इस्तेमाल किया, दूसरे वाले ने 10 का किया, तीसरे वाले ने 15 का किया। तो मतलब टोटल कितना हुआ, 15, 10, 25, 5, 30। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो अगली पीढ़ी आएगी उसके पास कितनी बची रही, तो 20 20 बची रही ना, 20 हेक्टेयर ही बची रही। अगर हम इसी का 20 हेक्टेयर का इस्तेमाल मान लेते हैं, दो पीढ़ियां और करेंगी, अगर इसी 50 हेक्टेयर का ये जो पहला वाला था 3 ही इस्तेमाल करता, दूसरा वाला 8 करता, तीसरा वाला जो 15 किया ये 10 करता, तो कितना खपत होता, 10, 8, 18, 3, 21। तो मतलब यहाँ 21 खर्च हुआ, बचा कितना, 21, 9, 30, 20, 50, मतलब 29 अब भी बचा हुआ। मतलब ये है कि आगे की और कुछ पीढ़ियां इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। तो यही विकल्पों का संरक्षण कहता है कि भाई देखिए, जितना भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन है ना, इसका संरक्षण कीजिए, आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए और इसका परिवर्धन कीजिए, और आगामी पीढ़ियों के लिए पास यह विकल्प छोड़ दीजिए कि वह भी अपना विकास कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने इस्तेमाल कर लिया, अब जो बचा है अब उससे जो समस्याएं हो रही है उसके समाधान में लगे हुए। अब जैसे मान लेते हैं, तीन पीढ़ी ने यहाँ ऊपर में यूज कर लिया, ठीक है, तीन पीढ़ियाँ थी उसने इतना यूज कर लिया, बाकी जो 20 बचा अब इसको 4 पीढ़ियों तक चलाना है। अब जो सामने वाली जो ये जो पीढ़ी है, ये जो 20 बचा हुआ है, तो जो पहली पीढ़ी है ना वो सोचे कि भाई अब ये तो समस्या हो गई, अब जंगल कम बचा, अब आगे को कैसे दे, ये वो सोचने में लगा रह जाएगा। अगर मान लेते यही 29 बचा रहा, तो एक पीढ़ी जो आएगी आगे वाली, तो उसको तो टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ अब आगे हमको 3 के बारे में सोचना है। तो यही है, यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। विकल्पों का संरक्षण होना चाहिए, गुणवत्ता का भी संरक्षण होना चाहिए। गुणवत्ता का मतलब ऐसा है कि प्रत्येक पीढ़ियों को यह प्रयास करना चाहिए वो अपने पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखें, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखे। लकड़ी को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन लकड़ी काट तो रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, तो ये तो दिक्कत है ना। तो इससे पर्यावरण की गुणवत्ता का हास्य हो जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हम जितना संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी लकड़ी काट रहे हैं, उतना लकड़ी लगा भी दे, उतना पेड़ लगा भी दे, ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, और जैसे जो भी व्यक्ति जिस भी दुनिया में जी रहे हैं वो उसी तरह रहे। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिले। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब है तीसरा, अधिशेष का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एक्सेस। जो प्रत्येक पीढ़ी को पिछली पीढ़ियों से मिला है, तो उसको जो है ना प्राकृतिक विरासत जो उसको मिला है, तो उसका अनुकूलतम उपयोग हो, और जो संसाधन बच जाए उसको आगामी पीढ़ियों के लिए एकदम संरक्षित कर दिया जाए। आई होप कि इसको समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा। बीच में मेरा लिंक थोड़ा बहुत टूटा था, क्योंकि वो जो मैं पिक्चर बना रहा था ना, उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी, सब मिक्स हो गया था, तो थोड़ा मैं भूल गया कि किस टॉपिक पे था, तो थोड़ी दिक्कत आई थी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला समझ गए अंतर पीढ़ीगत क्षमता, अब दूसरा है अंतरा पीढ़ीगत क्षमता। तो ये होता है कि एक ही पीढ़ी के अंदर जो है ना चेक किया जाता है कि कौन किसका कितना इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है कि घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर वर्तमान पीढ़ी, जो वर्तमान है, जैसे एक मैं हूँ एक आप हैं, तो आप भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो दोनों में ये चेक किया जाता है कि भाई कौन कितना कम गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो जो जितना कम गाड़ी का इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि उसने संसाधनों का उतना ख्याल रखा, उसने संसाधनों का उतना कम प्रयोग किया। उसके नज़र में देखा जाए तो उसने भविष्य के लिए उतनी ज़्यादा चीज़ें छोड़ी हैं भविष्य की पीढ़ी के लिए। लेकिन जो ये दूसरा वाला है, इसने गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, भविष्य के संसाधनों का हास्य ज़्यादा किया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए कम संसाधन छोड़े। तो यही है अंतरा पीढ़ीगत क्षमता, तो यही देखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक ही पीढ़ी में देखा जाता है कि कौन कितना संसाधनों का न्यायोचित और पारदर्शी उपयोग कर रहा है। लैंगिक असमानता, तो ये है एक तरह से कि जेंडर इनइक्वेलिटी। तो ऐसा है कि हमारा जो समाज है ना, इसमें क्या है कि असमानता पर्याप्त है। महिला और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन एकदम समझ में नहीं आता कि क्या मतलब कैसे किया गया है। जैसे हमारा समाज असमानता पर आधारित है, महिलाओं को रोटी बनाने के लिए घर में छोड़ दिया जाता है, पुरुषों को काम करने के लिए बाहर में छोड़ दिया जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो महिलाओं का जो श्रम है, जो महिलाएं काम कर रही है ना, वो भी बिल्कुल एक तरह से पैसे लेने के बराबर, क्योंकि वो भी घर में मेहनत करते हैं, लेकिन उसको घर में कोई पैसा नहीं मिलता। पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, वो जो श्रम करते हैं उनका पैसा मिलता है। अब देखिए,
ये तो समझ में आ गया, महिलाओं के साथ यहाँ पर जाति हो गई, लैंगिक असमानता यहाँ देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि महिलाएं जो काम करती हैं और जो पुरुष जो काम करते हैं उसके हिसाब से उनके विभागों को बांट दिया गया कि भैया महिलाओं को यहाँ काम करना, पुरुषों को यहाँ काम करना। अब देखिए संसाधनों का विभाजन नहीं हुआ, अभी भी आप देखेंगे हमारे समाज में कि जो गाड़ी रूपी संसाधन है, ये जो बाइक है, फोर व्हीलर टू व्हीलर, वो महिलाएं नहीं चलाती हैं, क्योंकि संसाधनों का ऐसा विभाजन ही नहीं है हमारे समाज में कि महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता हो कि वो उस संसाधन का उपयोग कर सके। तो ये हमारे समाज में जो लैंगिक असमानता है, यह भी एक क्या है, समस्या है, यह भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो वो दिक्कत है किसमें, तो आपको सतत विकास के मानक में। सतत विकास का मानक ये कहता है कि लैंगिक असमानता भी सतत विकास को मतलब एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित करती है, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये भी सतत विकास का एक मानक है। और सतत विकास ये कहती है कि भाई देखो, जो भी संसाधन आपके पास है आप उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से करें और आगामी पीढ़ी के लिए उस संसाधन का एक साफ और सुथरा जो वातावरण है वो छोड़ दें आगामी पीढ़ी के लिए। ठीक है, जरा क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब सतत विकास को हासिल करने के सिद्धांत। तो सतत विकास को हासिल कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहला पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी। देखिए ऐसा है कि पारिस्थितिकी मतलब, पारिस्थितिकी का मतलब हो गया आपको इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी एक तरह से ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यह एक पूरा का पूरा चैप्टर है, एक पूरा का पूरा ब्रांच है, याद रखिएगा। और यूपीएससी में इस ब्रांच से अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस की जो एग्जामिनेशन होती है, आईएएस आईपीएस की जो एग्जामिनेशन होती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसको सीएससी बोल सकते हैं, तो इसके एग्जामिनेशन में इसकी एक अलग पेपर है, इसकी मोटी मोटी बुक आती है। ठीक है, और आई होप कि इसकी एक है शायद, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, वीपी अग्रहरी है शायद, ऐसे ही कोई है, बहुत ही फेमस इन्वायरमेंट इकोलॉजिस्ट राइटर है, इकोलॉजी राइटर है। तो ऐसे ही बहुत सारी बुक इसकी चलती है। तो पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि आप ऐसे प्रौद्योगिकी, ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें जिससे कि पारिस्थितिकी पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं पहले पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, अब सरकार ने कह दिया कि पेट्रोल की जो फोर व्हीलर्स हैं उसका इस्तेमाल कम किया जाए। उसके साथ उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने का फैसला किया। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाइए या फिर आप ये क्या कहते हैं सीएनजी युक्त गाड़ी चलाइए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल की गाड़ी कम कीजिए। तो यही है पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी, जिसमें जो पुरानी सिस्टम है, पुरानी प्रौद्योगिकी है, उसको हटा करके उसके जगह पर नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए जो कि मित्रवत हो, जो कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि पेट्रोल पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था, CO2 CO इस तरह के गैसेस निकालता था जिससे कि पर्यावरण में क्या होता था, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट बढ़ते थे और फिर दिक्कत आती थी। और अभी बहुत दिक्कत में है इंडिया और पूरा विश्व यही ग्रीन हाउस गैस की वजह से। और अभी शायद इंग्लैंड में अभी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, जहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पहुंच गया और लोग वहां पर घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड जो है ठंडा प्रदेश है। ठीक है, इंग्लैंड ठंडा प्रदेश है, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो लोग 40 डिग्री टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहे हैं, इसलिए इंग्लैंड में शायद अभी, हाँ शायद नहीं, कन्फर्म ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अब यह परियोजना मूल्यांकन। तो परियोजना मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि भैया आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी माध्यम से सतत विकास को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप मूल्यांकन कीजिए कि आपने पर्यावरण सुरक्षा का कितना ध्यान रखा। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं या सतत विकास को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी कार्य करें या सतत विकास को के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके कार्य में आपने पर्यावरण का सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा कितनी की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कितने किए, पारिस्थितिकी संतुलन को कितना बनाए रखा, और साथ में इकोनॉमिकल एफिशिएंसी को कितना ध्यान में रखा। मतलब ऐसा कि जहाँ 5 रुपये की ज़रूरत है वहाँ 25 रुपये खर्च कर दिए, तो ये इकोनॉमिकल एफिशिएंसी नहीं हुई। ज़रूरत हो 25 रुपये की, खर्च किए 5 और हमारा काम हो गया, तो ये भी इकोनॉमिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़े नहीं, बिगड़ने नहीं का मतलब हुआ, जैसे
बिगड़े नहीं का मतलब हुआ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे पारिस्थितिकी संतुलन। हाँ, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो गैसेस आ रही हैं कहाँ से आ रही है? ये हमारे वजह से आ रही है, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहले फ्रिजेज में CFC डाला जाता था, जो कि एक पर्यावरण का बहुत ही खतरनाक गैस है, ये पर्यावरण में काफ़ी मात्रा में आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पर्यावरण में आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तैयार कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण को गर्म कर रहा है, हमारे आसपास के वातावरण को गर्म कर रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय तापन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है, इससे मनुष्य को नुकसान है। तो कोई भी कार्य कीजिए तो ये देखिए पहले कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, पर्यावरण संतुलन बना हुआ तो रहेगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं सबसे पहले ये देखिए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है अथवा नहीं हो रही है। उत्पादन का विकेंद्रीकरण ये भी करना चाहिए ताकि सतत विकास को हासिल किया जा सके। अगर आपको मान लेते हैं 50 kg लोहा तैयार करना है और उसके लिए एक ही फैक्ट्री आप एक जगह लगा दिए, तो इस लोहे को तैयार करने में जितनी गंदगी होगी वो सारी एक ही जगह स्टोर होगी ना, तो यहाँ पर तो ज़्यादा समस्या होगी। अगर इसी औद्योगिक धंधे का या इसी उत्पादन को हम विकेंद्रीकृत कर दें, 25 का यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, 20 का इधर कर रहे हैं, 10 का इधर कर रहे हैं, या 25-20 कितना हो गया, 45 हो गया, 5 का इधर कर रहे हैं, तो तीनों अलग अलग जगह टूट गए। अब तीनों जगह अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें जा रही हैं, वेस्टेज निकल रहा है, लेकिन वेस्टेज की मात्रा तो कम हो गई। वेस्टेज की मात्रा कम होने से यहाँ पर जो पॉल्यूशन होगा वो जल्दी से जल्दी एनवायरनमेंट उसको अब्जॉर्ब करेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम तीनों को मिला के एक जगह करेंगे तो इतना ज़्यादा मात्रा में वेस्टेज निकल जाएगा कि पर्यावरण उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो उत्पादन का विकेंद्रीकरण जरूरी है ताकि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इतना समझ में आया या नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। संसाधन का संरक्षण होना चाहिए, जो भी संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका संरक्षण करना चाहिए ताकि उसको भविष्य की पीढ़ी को दिया जा सके। तो ये हुआ सतत विकास को प्राप्त करने का एक साधन। उसके बाद है प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र। प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र का मतलब हुआ कि जो भी चीज़ें की जा रही हैं अगर वो गलत हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो उसके लिए एक जवाबदेही तंत्र होना चाहिए ताकि उससे पूछा जा सके, भैया तुमने जो ये काम किया है वो गलत किया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जवाबदेही तंत्र का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपना जो बिहार है, यहाँ पर एक ये है, भारत है, भारत में नियम है कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी को आप सड़क पे नहीं चला सकते, और अगर आप चलाते हैं तो अगर RTO वाले आपको देख लेते हैं, जो परिवहन विभाग वाले हैं, ठीक है, वो अगर आपको देख ले तो आपसे वो तुरंत क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपकी जवाबदेही बन जाएगी कि आप ये गाड़ी क्यों चला रहे हैं। 15 साल अगर किसी गाड़ी का हो जाता है तो वो पर्यावरण में ज़्यादा मात्रा में गैसेस छोड़ता है, गाड़ी की जो पूरा पार्ट्स हैं, गाड़ी की जो पार्ट्स होती है वो घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि 15 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद भारत में वो गाड़ी स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेकार हो जाती है, उसके बदले नई गाड़ी लेनी पड़ती है। तो जो पुरानी गाड़ी है अगर वो किसी भी वजह से कोई 15 साल के बाद भी चला रहा है, ठीक है, और कोई RTO वाला उसको देख लेता है या परिवहन विभाग वाला देख लेता है, यातायात विभाग वाला देख लेता है, तो पूछता है भैया तुम ये गाड़ी क्यों चला रहे हो, उसकी अब उस बंदे वो जो गाड़ी चलाने वाला है उसकी जवाबदेही हो जाती है और वो जवाबदेही देना पड़ता है। और अगर वो जवाब सही नहीं देता है कि भैया हम गाड़ी क्यों चला रहे हैं 15 साल बीत जाने के बाद भी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाती है। तो यह भी एक तरह से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अच्छा सा साधन है, एक अच्छा सा तरीका है। पारिस्थितिकी साक्षरता होनी चाहिए, लोगों को ये जानना जरूरी है कि पारिस्थितिकी है क्या, पर्यावरण है क्या, वायुमंडल है क्या, हमारा वातावरण क्या है। तो अगर इंसान को इसकी जानकारी होगी और इंसान को पता होगा कि भाई किस चीज़ से के करने से क्या नुकसान होगा भविष्य की पीढ़ी को, वर्तमान की पीढ़ी को, पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, वातावरण को नुकसान क्या होगा, तो वो लोग वैसा नहीं करेंगे। मतलब मेरा कहना ये है कि अगर पारिस्थितिकी का ज्ञान किसी को है, उनको जानकारी है, पारिस्थितिकी के प्रति वो साक्षर है, तो हर संभव वो व्यक्ति वो प्रयास करेगा, ये प्रयास करेगा कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है।
और यहाँ छोटा मोटी छोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, मतलब नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना चाहिए जो तुरंत बन जाए। गैर पारंपरिक मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसे स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए जो खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ऐसे स्रोतों के प्रयोग से सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। स्वच्छ घरेलू ईंधन का उपयोग किया जाना चाहिए, पारंपरिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार अच्छे से होना चाहिए, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कम करना चाहिए ताकि हम सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। पारिस्थितिकी संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छे से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब है सतत पोषणीय विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति, किस तरह से हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं, किस कार्यनीति, किस 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 मेथड से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास का पुनरुत्थान, तो सतत विकास ये कहता है कि भाई देखो, गरीबी दूर होनी चाहिए और गरीबी से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है, और क्योंकि लोगों की जो जीवन शैली है ना वो पर्यावरण को बेकार कर देती है। अब गरीब है कोई बंदा, भोजन की कमी है, बेचारा घर नहीं है, किधर भी सोया पड़ा है, जमीन में, मिट्टी में, खाने को कुछ भी मिल रहा है, खा लिया, सो गया, इधर उधर कर दिया, तो यह जो है एक तरह से सतत विकास के रास्ते में बाधक है। इस वजह से सतत विकास पोषणीय विकास कहती है कि गरीबी को दूर करो भैया, गरीबी दूर होगी तभी हम सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वनों को काटना, अत्यधिक चराई करना, यह भी जो है ना एक तरह से समस्याओं का कारण है, यह भी एक तरह से समस्याएं हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हम कभी भी एक तरह से सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति की गरीबी को दूर किया जाए, और गरीबी को दूर करने के लिए व्यक्ति को रोजगार दिया जाए, व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए, ताकि वो सतत पोषणीय विकास के प्रति जागरूक हो। जनसंख्या का सतत पोषणीय स्तर सुनिश्चित करना, जो जनसंख्या है उसका भी एक स्तर सुनिश्चित करना चाहिए कि एक निश्चित जनसंख्या ही हमारे आसपास रहे, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जितना ज़्यादा होगा उतना ही भोजन का संकट होगा, उतना ही जीवन की गुणवत्ता गिरेगी, उतना ही स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, उतने ही घर की कमी होगी, स्वच्छ पेयजल की कमी होगी। तो जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है, ठीक है, यह भी एक कार्यनीति है। मनुष्य की जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं केवल उसी की पूर्ति की जानी चाहिए, यही जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यनीति है सतत विकास को प्राप्त करने के लिए। इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि की गुणवत्ता को बदलना, ठीक है। तो ऐसा है कि जब हम वृद्धि या विकास कहते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है आर्थिक विकास अथवा भौतिक विकास, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि विकास भौतिकवादी न हो, कम से कम ऊर्जा की खपत हो और समान रूप से वितरित करने योग्य हो। मतलब यहाँ पर यह कहना है कि भैया देखो, अगर आप क्या कहते हैं कि जितना भी विकास हो रहा है ना वो जो है एकदम उसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकास कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, जैसे हम 5 क्विंटल गेहूं उपजा रहे हैं, 5 क्विंटल गेहूं की गुणवत्ता सही नहीं है, तो ये गलत है। हम 4 ही क्विंटल उपजाएंगे, उसकी गुणवत्ता सही करेंगे और उसको सामान्य रूप से वितरित करेंगे ताकि वो सबको मिल जाए। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। संसाधनों के जो आधार हैं, जहाँ से संसाधनों की शुरुआत होती है, हम उसको संरक्षित करेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये सतत विकास पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, बहुत सारे कन्वेंशंस हुए, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 1992 में हुआ था, और ये हुआ था शायद जोहान्सबर्ग में, और यहीं से पूर्ण सतत विकास की संकल्पना को तैयार किया गया था, और इसमें शायद सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पेजेस के कार्य योजना को बनाया गया था, जिसे एजेंडा 21 कहा गया था। ये हम पहले भी आपको बताएं, ठीक है। 1992 नहीं, जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था वो सम्मेलन, माफी चाहता हूँ मैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया 1992 में जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वो जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था बल्कि वो रियो डी जेनेरो में हुआ था, और यहीं पर एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी, जिसमें 300 पेजेज का एक कार्यनीति, एक पृष्ठ योजना तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम 21 वर्ष में जो भी ये कहा गया था, इसको क्लियर बताता हूँ मैं, 1992 में हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि ये जो एजेंडा 21 है इसमें जो कार्य योजनाएं हैं इसकी समीक्षा हम 21 वर्ष में करेंगे,
मतलब 21 वर्ष में इस पेज में, ये जो एजेंडा 21 में जो 300 पेज थे, इसमें जितने लक्ष्य रखे गए हम उसको प्राप्त कर लेंगे 21 वर्ष में, और हर 5 वर्ष में इसकी समीक्षा करेंगे, 1992 + 5, फिर 1992 + 10, 1992 + 15, 1992 + 20, और 1992 + 21। इसी को बोला गया एजेंडा 21। बोला गया कि ये जो एजेंडा 21 है, इसमें जितने 300 पेजेज हैं, जो योजनाएं इसमें बनाई गई है, इन सभी योजनाओं को हम 21 वर्षों में प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी समीक्षा हर 5 वर्ष पर करते रहेंगे। जैसे 1992 के बाद 1997 में हुआ था, फिर 1997 के बाद ये हुआ था आपको 2002 में, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हुआ था ये शायद आपको 2007 में, फिर उसके बाद ये हुआ था 2012 में, और ये हुआ था 2013 में, ऐसा ही था शायद। ठीक है, तो इस तरह से ये चला था, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और ये 1997 बता दिया मैंने आपको एजेंडा 21, 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992, फिर 1997 में हुआ पहला बार रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ आपको यहाँ क्या कहते हैं जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इतना समझ में आ गया, और इसकी जो ये तो मैं बता दिया एजेंडा 21 सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना 300 पेज का था, वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत, तो ये सब क्या थे, तो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे सतत विकास की दिशा में। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। रियो प्लस 10 बता दिया मैंने, रियो प्लस 10 आप लोगों को, रियो प्लस 20 भी बता दिया, 2012-2013 में समाप्त हुआ। तो रियो प्लस 10 में जो समीक्षा हुई और जो उद्देश्य रखे गए, इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 कहा गया, ठीक है, इसमें यहीं पर स्टार्ट हुआ था 2002 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है, इसका इसे कहा गया इसी रियो डी जेनेरियो, रियो जो 2002 में जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन था, यहाँ पर एक नई चीज दी गई थी, सहस्त्राब्दी सम्मेलन, इसके बारे में आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, सहस्त्राब्दी सम्मेलन। बाद में इसको हटा दिया गया 2016 में, आई थिंक 2016 या 14 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, इसी को बोला गया बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत पोषणीय विकास लक्ष्य, ठीक है। तो ये 2002 में हुआ था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था सतत विकास की दिशा में। फिर वह रियो प्लस 20 2012 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो, और इसमें उद्देश्य था गरीबी कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा की व्यवस्था करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब, क्लियर। सतत विकास लक्ष्य, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो सतत विकास लक्ष्य है ना, ये पहले 2002 से, आई होप 2002 ही था शायद, इसी को बोलते थे सहस्त्राब्दी लक्ष्य, क्या सहस्त्राब्दी लक्ष्य, बाद में इसी सहस्त्राब्दी लक्ष्य का स्थान सतत विकास ने ले लिया 2015 के पश्चात, आई थिंक 2016 में हुआ था सम्मेलन, और 2016 में इसी को बोला गया सतत विकास लक्ष्य, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये हुआ था 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में इसकी घोषणा की गई थी, और ये था 70वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, और इसमें औपचारिक तौर पर यह सहस्त्राब्दी लक्ष्य को बदल दिया गया और इसको बना दिया गया सतत विकास लक्ष्य, और इसमें 150 देशों ने हिस्सा लिया था। और SDG जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें कहा गया है कि 2030 तक हम सभी उद्देश्यों सभी विकास लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने इन महात्मा गांधी संयुक्त विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 साल में गरीबी और भुखमरी समाप्त करने की बात की है, लैंगिक समानता लाने की बात की है, ठीक है, उसके बाद 193 सदस्य ने इसमें जो है ना, मतलब एक तरह से हिस्सा लिया था, और 193 सदस्यों ने कहा कि हम 2030 तक ये पूरे के पूरे 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ गए होंगे। और ये 17 विकास लक्ष्य क्या है, ये नीचे दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। गरीबी के सभी रूपों पे की पूरे विश्व से समाप्ति, पूरा गरीबी समाप्त हो जाए 2030 तक, ऐसा कहना है SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। भुखमरी समाप्त हो जाना चाहिए, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, उसके बाद समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना, फिर त्वचा लचीले बुनियादी ढांचे, ये सब ये सारी बातें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, इन्हें हासिल करने की दिशा में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, और इन्हें हासिल करने के लिए भारत द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य क्या है, ये सतत विकास लक्ष्य क्या है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये रहा, ठीक है, सॉरी
ये वाला पहले ही मैं बता चुका हूँ, सतत विकास लक्ष्य क्या है, वर्तमान की पीढ़ी की जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से हो कि भविष्य की पीढ़ी की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसमें उन्हें कोई समझौता नहीं करना पड़े। मतलब भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को बाधित किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही सतत विकास है या धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और इसी सतत विकास को हासिल करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जो कि पहले सहस्राब्दी लक्ष्य के नाम से जाना जाता था और बाद में यही हो गया सतत विकास लक्ष्य की धारणा, और इसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया। इसमें 17 गोल्स हैं, ठीक है, 169 टारगेट्स हैं, और इसको 2016 से 2030 तक में कंप्लीट कर लेना है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए, अब भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो भारत में जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी जो नीति निर्धारण की प्रक्रिया है इसमें क्या है कि सतत विकास से संबंधित परिणामों का आकलन नहीं किया जाता और बिना इसके आकलन के ही क्या होता है कि नीति बना दी जाती है, ये दिक्कत है। वित्त मुहैया कराना, यह भी एक समस्या है। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसा की कमी है तो उसने क्या किया कि राज्यों से कुछ पैसे काट लिए। अब राज्यों के पैसे काट लेने से क्या हुआ कि राज्यों के पास अब पैसे की कमी हो जाने की वजह से अब इन सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। निगरानी और जिम्मेदारी, देखिए ये जो सतत विकास लक्ष्य है ना इसको निगरानी और पूरा करने की जिम्मेदारी नीति आयोग पर है, ठीक है, लेकिन नीति आयोग जो संरचनात्मक तंत्र है यह अब तक इतना विकसित नहीं हो पाया कि सतत विकास के लक्ष्यों को मतलब पूर्ण रूप से अचीव कर पाए, पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाए। प्रगति मापन, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो कि जितनी भी चीज़ें होती है, गरीबी मापना, भुखमरी देखना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की सूची तैयार करना, आंकड़े तैयार करना, लिस्ट तैयार करना, तो ये सब ये सब जो है एक तरह से अलग अलग विभागों से जो आंकड़े आते हैं उसके माध्यम से तैयार किए जाते हैं। लेकिन विभागों से जो आंकड़े आते हैं इसका क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है वो सही होगा। अब मान लेते हैं कोविड का वैक्सीन लगा, मान लेते हैं 150 करोड़ लोगों को लगा, क्या गारंटी है 150 करोड़ लोगों ने लगाया ही होगा। हो सकता है कि कागजी विभागों में कुछ और दिख रहा है और हो कुछ और रहा है। इसी का मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण दे सकता हूँ। सेकंड वेव जो आया था, सेकंड या थर्ड वेव शायद कोविड का सेकंड वेव जो आया था उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी लोग मरे थे, लेकिन जब रिकॉर्ड आया तो पता चला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। तो ये क्या है, गलत डेटा दिखा दिया जाता है, इस वजह से फिर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है। फिर भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने प्रयास किए हैं, ठीक है, और भारत ने प्रयास क्या किए हैं, तो जो नीति आयोग है उसको कहा है कि भाई देखो जो भी जैसे भी लक्ष्य हैं सतत विकास के उसको अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्रालयों में बांट दो और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित कर दो, वो अपना देख लेंगे, और जो डेटा है उसको ठीक से तैयार करवाया जाए ताकि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। उसके बाद भारतीय संसद द्वारा एक बिल पास किया गया, अध्यक्षीय शोध पहल स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव, यह एक मंच है, ठीक है, यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा और विशेषज्ञों द्वारा मतलब विचार किया जाता है और यहाँ पर लोग अपने अपने राय विचार प्रस्तुत करते हैं। तो यही सब है, ठीक है, ये सारी बातें आप लोग समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का अर्थ बताते हुए इसके प्रभाव व समाधान पर चर्चा कीजिए, अथवा जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बताइए, या फिर जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसे निपटने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो ऐसा कि जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले यह समझना है कि जलवायु होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जलवायु का ये मतलब होता है कि कोई एक लंबा क्षेत्र है, ठीक है, एक ये ले लेता हूँ मैं, एक लंबा सा क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में पर्यावरण में जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसी का औसत जलवायु परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कि यह एक क्षेत्र है, इसमें हर वर्ष मौसम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो ये जो मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष जो मौसम में परिवर्तन आया, तो उन 30 वर्षों के मौसम परिवर्तन के औसत को हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा, आया या नहीं आया। तो ऐसा है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मैंने बता दिया आप लोगों, जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जाता है, पूरे विश्व में भी महसूस किया जाता है। अभी पूरा का पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, पूरे विश्व का तापमान अभी इतना बढ़ गया है कि अभी इंग्लैंड में, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लैंड में एक रेड अलर्ट जारी किया गया है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, स्पेन का भी यही हाल है, पूरे यूरोप का यही हाल है अभी। आया समझ में? तो पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, और बीते वर्ष में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बढ़ा है और इसी वजह से काफ़ी मानव जाति पर असर हुआ है, ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। और भी चीजें यहाँ लिखी गई आप लोग देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन के कारण दो कारण मुख्य, प्राकृतिक और मानव गतिविधियां। तो प्राकृतिक गतिविधियां हैं महाद्वीपीय सम्मेलन। देखिए ये समय की कमी है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता महाद्वीपीय संवहन क्या होता है, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, समय तो बहुत हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि फिर एक कल वीडियो ला दूँ, देखते हैं अभी कितना समय हुआ है, कितना देर वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए ये जो महाद्वीपीय संवहन है ना, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने ये लिया, देखिए ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सबसे पहले पृथ्वी के अंदर जो ये जो जमीन है ना, जमीन इस तरह का था, ठीक है, इसको बोला जाता था पेंजिया लैंड, पेंजिया ही बोला जाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इस चारों साइड में पानी थी, पानी ही पानी थी, तो पानी की थपेड़े जब इस जमीन के टुकड़े को ठोकर मारती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पानी की थपेड़े थी ना, धीरे धीरे इसने इस लैंड को तोड़ दिया, ये जो मिट्टी का टुकड़ा था इसको तोड़ दिया दो भागों में, एक भाग बन गया अंगारा लैंड। इसको आप ज्योग्राफी समझ लीजिए, ठीक है, ज्योग्राफी ही है, फिजिकल ज्योग्राफी, कुछ लोग कुछ ऐसा भी समझ लीजिए कि एक तरह से पृथ्वी की हिस्ट्री भी कह सकते हैं। और या फिर इसको कहा गया लौरासिया लैंड, लौरासिया लैंड, क्या कहा गया, लौरासिया लैंड। और ये था गोंडवाना, ठीक है। तो ये दोनों भाग में पृथ्वी बट गई, बाद में फिर ये अंगारा टूटा, गोंडवाना टूटा, और धीरे धीरे सात महाद्वीपों का उदय हो गया, महादेशों का उदय हो गया। इसमें एशिया है जो कि अंगारा लैंड का हिस्सा था, अंगारा, ये अंगारा ऐसे हो गया, अंगारा ऐसे टूट गया, गोंडवाना ऐसे टूट गया, और पृथ्वी हो गई ऐसी, इससे निकला एशिया, और आई थिंक इसी में यूरोप है, ठीक है, इधर अफ्रीका, इससे टूट के अफ्रीका निकल गया, इधर ऑस्ट्रेलिया निकल गया, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें टूट गई। तो ये है हिस्ट्री। और भारत की भी मैं बात कर लेता हूँ, भारत के बारे में भी एक दिलचस्प स्टोरी बता देता हूँ। भारत में दो प्लेटें हैं, एक यूरेशियन प्लेट और एक अफ्रीकन प्लेट। भारत का आधा हिस्सा जो है ना, जो साउथ वाला हिस्सा है भारत का, गुजरात से, गुजरात को एक तरह से मान लेते, गुजरात के सामने से खींच दीजिए आप, तो गुजरात के सामने से नीचे जो आप देखेंगे दक्षिण का हिस्सा, ये वास्तव में भारत का पहले हिस्सा था ही नहीं, ये वास्तव में अफ्रीका का हिस्सा था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। बाद में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये टूट के अलग हो गया, और धीरे धीरे ये पहुंच गया कहाँ पर, एशियन प्लेट के पास पहुंच गया, और एशियन प्लेट से ये चिपक गया, और बाद में भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण इसने किया। तो मैं इतना हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ चलता हूँ ये मैं। तो प्राकृतिक गतिविधि की वजह से जलवायु में परिवर्तन आता, वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। तो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने जैसा कि पहले बताया कि सभी महाद्वीप एक ही बड़े धरातल के रूप में विराजमान थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सागरों के कारण धीरे धीरे ये टूटते गए और अलग अलग खंड बन गए, सात महाद्वीपों में बदल गए। तो ये जो महाद्वीपीय संवहन है, जो कि ये गति कर रहे हैं, तो ये आज भी गति कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये या तो दो दो जमीन का टुकड़ा आपस में टकरा रहा है, आपस में एक दूसरे के अंदर चढ़ता जा रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं ना, ये भी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में एक मुख्य भूमिका निभा रही है। ज्वालामुखी विस्फोट भी प्राकृतिक एक गतिविधि है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उससे काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि निकलते हैं, धूलकण आदि निकलते हैं, जो कि वायुमंडल में जाते हैं। अब चूंकि ये सारी चीज़ें गर्म होती है, और ये नियम है कि जो गर्म चीज़ें होती है वो हल्की होती है, हवा गर्म होने, जब भाप हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर उड़ती है ना, तो उसी तरह जो हवा, ये जो गंदगी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, ये हल्की हो जाती है और ये ऊपर की ओर उड़ जाती है, और धीरे धीरे यह ऊपर में क्या करती है, समताप मंडल में जाकर फैल जाती है, और धीरे धीरे यह पृथ्वी से आने वाले सूर्य के प्रकाश को घटा देती है, और घटाने से क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान अचानक से कम होने लगता है। और एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट के वजह से वायुमंडल में फैलता है, और इस वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ता है। वर्ष 1816 में इंग्लैंड, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में ग्रीष्म ऋतु में अचानक से ठंड पड़ गया था, जिसको किलिंग समर फ्रॉस्ट कहा गया था, और उस कारण वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में उसका जो कारण था, मतलब ये जो इस तरह की इतनी जो ठंडी पड़ी थी, उसका कारण था 1815 में इंडोनेशिया में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट।
पृथ्वी का झुकाव भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा झुकाव होगा उसका मतलब है कि उतना ज़्यादा गर्मी और उतना ज़्यादा सर्दी। अब वो कैसे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी अगर ऐसे झुका हुआ है तो पृथ्वी, आप ही बताइए, सूर्य की किरणें जो सामने है इस वाले पोर्शन में ज़्यादा पड़ेगी तो इधर ज़्यादा गर्मी होगी, और ये जो पीछे है इधर सूर्य की किरणें कम पड़ेगी तो इसका मतलब है कि इधर कम गर्मी होगी। तो जितना ज़्यादा सूर्य का झुकाव होगा उतनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा सर्दी होगी। अब मान लेते झुकाव कम है, ये ऐसे हो गया, तो इसका मतलब है कि इधर भी पर्याप्त मात्रा में धूप आ रहा है, इधर भी आ रहा है पर्याप्त मात्रा में धूप, तो इसका मतलब है कि कम गर्मी कम सर्दी। तो यह भी पृथ्वी का झुकाव भी एक मुख्य कारण है। समुद्र की धाराएं भी मुख्य कारण है। समुद्र की धाराएं जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि समुद्र की धाराओं में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और समुद्र को या सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है, और वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में है, और यही समुद्र में जो बहाव आते रहता है इससे भी जलवायु प्रभावित होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मानवीय गतिविधियों ने भी जलवायु परिवर्तन में अहम योगदान दिया है। शहरीकरण, जो हम शहरीकरण कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, दिनों दिन क्या हो रहे हैं कि हम गाँव से विस्थापित होकर शहरों में जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे बड़े बड़े नगरों में जा रहे हैं जहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, ना शांति है ना चैन है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी यातायात धूल सारी चीज़ें वातावरण में जा रही हैं, सारी चीज़ें पर्यावरण में जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। मानवीय गतिविधि फिर ये प्रदूषण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की भूमिका निभा रहा है, जलवायु परिवर्तन कर रहा है। औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे काफ़ी मात्रा में लगा रहे हैं जिससे कि काफ़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब चीज़ें निकल रही हैं और ये वातावरण में जा रही हैं, और ये जहरीली गैसें हैं, और इससे क्या हो रहा है, वायुमंडल को नुकसान हो रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वनोन्मूलन, जो हम निरंतर बढ़ती आबादी की वजह से पेड़ काट दे रहे हैं, जंगल काट दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आवास की कमी को पूरी करने के लिए हम जंगल नहीं काट दे रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई क्या हो रहा है, पृथ्वी के हरित क्षेत्र को घटा रहा है, हरे क्षेत्र को घटा रहा है, और इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक कीटनाशकों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, जमीन मैली हो रही है, जमीन अल्कलाइन हो रही है, या तो एसिडिक हो जा रही है, मतलब अम्लीय हो रही है, या क्षारीय हो रही है, इससे क्या हो रहा है, जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। फिर वही वो जो जमीन में जो हो कीटनाशक रासायनिक इत्यादि और रसायन इत्यादियों का जो प्रयोग हो रहा है वो पर्यावरण में उड़ के जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी यह भी जलवायु परिवर्तन में एक तरह से काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव हो रहा है, वर्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि कहीं बहुत सुखाड़ है, जैसे भी बिहार की बात कर रहे हैं, 3 दिन में इतनी गर्मी थी ऐसा लग रहा था कि जैसे उमस से आदमी मर जाएगा। अब वहीं मध्य प्रदेश की ओर चले जाए, असम की ओर चले जाए, काफ़ी मात्रा में बाढ़ आया हुआ है। तो ये क्या, ये पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। अभी इंग्लैंड की बात की मैंने, वहाँ पर क्या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, एक जबकि इंग्लैंड यूरोप जो है वो ठंडा प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर गर्मी हो गई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो गया। ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ। वर्षा पर प्रभाव होगा, समुद्री जल स्तर पर प्रभाव, ज़्यादा गर्मी कहीं है तो क्या हो रहा है, वहाँ हिमनद है तो वो हिमनद पिघल के समुद्र में जा रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ये दिक्कत है। बिल्कुल है, समझ में आया या नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि अब खरीफ का सीजन है, खरीफ के सीजन में अब आपको धान लगाना है, धान में पानी की आवश्यकता, बारिश हो ही नहीं रही है, तो बारिश नहीं होगी तो कृषि में दिक्कत हो जाएगी, ये समस्या आएगी। अब कहीं ज़्यादा बारिश हो गई तो जो भी फसल लगा हुआ तो वो डूब गया, गल गया, बेकार हो गया। कृषि का प्रभाव है, कृषि पर प्रभाव है ये जलवायु का। जैव विविधता पर प्रभाव है, क्या हो रहा है कि जो कुछ लोग जैसे मान लेते हैं कोई सांप है, ठीक है, सांप की बात कर लेते हैं, सांप होता है एक तरह से वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड होता है, आई थिंक, हाँ कोल्ड ब्लडेड ही होता है। सांप का जो शरीर का टेम्परेचर है वो अपने हमारी तरह एडजस्ट नहीं होता। जैसे हम अभी ठंडी में चले जाएंगे, ठंड वाले प्रदेश में चले जाएंगे ना, तो क्या होगा कि हम अपने शरीर को ठंड के प्रदेश के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, 2-4 कपड़े पहन लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सांप के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई सांप गर्मी वाले प्रदेश में रहता है तो वो गर्मी वाले प्रदेश में ही जिएगा, अगर उसको ठंडी वाले प्रदेश में ले जाकर छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा, ठीक है। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसका शरीर का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो वही सांप का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि इंग्लैंड जो है एक तरह का ठंडा प्रदेश है, ठीक है, अब वहाँ पर
बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश भी नहीं है, मतलब मीडियम रेंज का ठंडा प्रदेश है। अब मान लेते हैं वहाँ पर कोई सांप जिंदा रहता है, ठीक है, अब वहाँ अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप बताइए क्या सांप वहाँ जीवित रहेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांपों के शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट नहीं होता, तो वो वहाँ मर जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर को वह झेल नहीं पाएगा। तो ये जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना दोस्तों, सांस लेने में उतनी दिक्कत होती है, हृदय संबंधी बीमारी उतनी ज़्यादा होती है। आप भी देखे होंगे गर्मी में दिक्कत होती है, कभी धूप में आप निकल जाइएगा, काफ़ी धूप है, आप ठंड से निकलते हैं अचानक से धूप में निकल, आपको लगेगा कि आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, तो ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है, ये समस्या है। आया समझ में या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समस्याएं, मतलब जो दिक्कत आ रही है, मानव स्वास्थ्य पर जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक बड़ी आबादी जो है ना वो विस्थापित हो जाएगा। मतलब मानव स्वास्थ्य पर जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से जो बड़ी आबादी इधर उधर भागेगी, तो उसे हम पर्यावरणीय शरणार्थी कहेंगे। जैसे गर्मी से बचने के लिए लोग हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, तो वो पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाते हैं। आया समझ में या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास, तो ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल बना दिया गया, IPCC कहते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य में संभावित जोखिम का अध्ययन करना, उसका अनुकूलन का काम करना और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माण करना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC भी चल रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और एक तरह से ग्रीन हाउस गैस जो है उसको एकदम इतना नियंत्रित कर देना कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। पेरिस समझौता भी हुआ है, जो कि जलवायु से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ 32 पृष्ठों का एक और भी लक्ष्य जो है रखा गया है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, ग्रीन हाउस गैस कम करना है, तो ये सारी चीज़। COP25 सम्मेलन हुआ है, 200 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयास। तो देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की, जिसका उद्घाटन उसने 2008 में किया था, और इसमें इस कार्य योजना में 8 मिशन शामिल है। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये देखना है क्या है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी हुआ है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, ठीक है। और ये 30 नवंबर 2015 को हुआ है और ये पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान हुआ है, ठीक है। तो इसमें $1,000 बिलियन की राशि को जुटाने की कोशिश की गई है, ताकि सौर ऊर्जा में निवेश हो और उसके बाद इस तरह से जलवायु परिवर्तन को कम करने की कोशिश की जाए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। खाद्य सुरक्षा की अवधारणाओं की विवेचना कीजिए, या फिर खाद्य सुरक्षा के कौन कौन से आयाम है। तो देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका मूलभूत अधिकार है कि उसको कुछ ना कुछ भोजन प्राप्त हो, उसको कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिले, ठीक है। तो यही है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, उसको कम से कम पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, यही खाद्य सुरक्षा है। और इसका एक पक्ष यह भी है कि हमेशा खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भंडारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर जो जरूरतमंद लोग हैं उसको सुव्यवस्थित तरीके से वो अनाज मतलब उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उसके पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जरूरत है, उसकी पूर्ति की जा सके। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मानव अधिकार की जो वैश्विक घोषणा, वो ये कहता है हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को बेहतर जीवन स्तर बनाने, स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास इत्यादि शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा के जो व्यवहारिक पहलू है, उसमें सबसे पहला उत्पादन। माना जाता है कि खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए। वैसा ही देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो अनाज है उसकी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी, तो उत्पादन भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो खाद्य सुरक्षा यही कहता है, भाई अगर सबको पौष्टिक भोजन चाहिए, सबको पोषक तत्व चाहिए, तो कम से कम उत्पादन में वृद्धि तो होना ही चाहिए। जरा समझ में आया या नहीं? उसके बाद जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो जितने ज़्यादा लोग हैं उनको
उसी स्थिति में उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उनके न्यूट्रिशन की, तो उनको उसी स्थिति में वो न्यूट्रिशन पहुंचा दिया जाए। इसका मतलब है कि जो भी अनाज उत्पादन हुआ है उनका वितरण अच्छे से हो, और जितना संभव हो तो वह ऐसा हो कि वह सबको मिल सके। जो वंचित और उपेक्षित समुदाय है कम से कम उसे भी वो अनाज मिल सके, ताकि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। खाद्य सुरक्षा के तत्व, एक तो है उपलब्धता, दूसरा है पहुंच। तो देखिए, उपलब्धता का मतलब है कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए सुसंगठित व्यवस्था, वितरण व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अपने इंडिया में PDS चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने का एकदम कोशिश होना चाहिए खाद्य सुरक्षा के माध्यम से। फिर पारंपरिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं, जो उपलब्ध है आपके लिए, वो सुरक्षित होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए। पहुंच की बात कर लेते हैं, उपलब्धता हो गई, अब पहुंच की बात कर, आर्थिक पहुंच। देखिए, ऐसा कि अब खाद्यान्न उपलब्ध है, अनाज भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध, अब उसकी कीमत इतनी अधिक ना हो जाए कि भैया वो इंसान, नॉर्मल इंसान उसको खरीद ना सके और भूख से मर जाए। उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए कि कम से कम उपेक्षित और वंचित वर्गों को लिए भी वो भोजन, वो खाद्य उपलब्ध हो। जैसे कि PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो जन वितरण प्रणाली है, उसके माध्यम से सरकार 2-3 रुपये KG में अनाज अवेलेबल करवा के देती है, ताकि उसको गरीब से गरीब भी खरीद सके। अब भौतिक पहुँच की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं काफ़ी मात्रा में अनाज उत्पन्न हो गया, ठीक है, अनाज हो गया, लेकिन अब वो अनाज को मार्केट तक तो कोई पहुँचाएगा, अब कोई विकलांग है, वो मार्केट तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम उसे अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी जो अपनी, वो पूरी हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, खाद्य असुरक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत में खाद्य असुरक्षा के कारणों का उल्लेख करते हुए समाधान के वैकल्पिक साधनों पर चर्चा कीजिए। खाद्य असुरक्षा से तात्पर्य, तो खाद्य असुरक्षा कुछ नहीं है, जस्ट खाद्य सुरक्षा के विपरीत है। इसमें ऐसा है कि किसी वजह से अगर इंसान को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त भोजन या अनियमित पहुंच के, सॉरी, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, तो यह खाद्य असुरक्षा है। मतलब ऐसा है कि धन नहीं है, संसाधन नहीं है, किसी भी वजह से अगर पौष्टिक और पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो ये खाद्य असुरक्षा है। खाद्य असुरक्षा से क्या होता है, असुरक्षा से क्या होता है कि लोगों में भुखमरी होती है, लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है और लोग मर जाते हैं। खाद्य असुरक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा होती है, दूसरा गंभीर स्तरीय खाद्य असुरक्षा होती है। तो मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा में क्या होता है कि लोगों को कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहले गेहूं पर्याप्त मात्रा में इंडिया में PDS के माध्यम से मिलता था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, लेकिन अभी गेहूं की मात्रा को कम कर दिया गया है, क्योंकि गेहूं की अभी इस बार उत्पादन कम हो, या फिर गेहूं को बाहर विदेशों में भेज दिया गया है, या शायद यूक्रेन तरफ, शायद किधर भी गया है, तो या गेहूं शायद यूक्रेन से भी थोड़ा बहुत इम्पोर्ट होता था, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो है थोड़ी किल्लत है, तो गेहूं की मात्रा को कम कर दिया गया, कहीं 8 KG कहीं 4 KG दिया जा रहा है PDS के माध्यम से। तो ये मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी अनियमितता का सामना करना पड़ता है भोजन की मात्रा के लिए। गंभीर खाद्य संकट कब होता है, जब काफ़ी मात्रा में सुखाड़ आ जाता है भोजन के लिए, लोग बरसों तक, कई दिनों तक भूखे रहते हैं, कुछ लोग बरसों तक भूखे रहते हैं। एक बुक थी गंभीर खाद्य संकट का, एक अच्छा सा उदाहरण आप, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, उसमें है ना एक स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि जो क्या कहते हैं, भूखमरी की वजह से वहाँ लोग इंसान को कच्चा खाने को मजबूर थे, इंसान ही इंसान को मार के खा लेता था। आनंद मठ में ऐसा चर्चा किया गया, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग आनंद मठ नाम की जो ये उपन्यास है इसको जरूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी पसंद आएगा। और इसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, शायद आपके किसी क्वेश्चन में आ जाए जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। तो गंभीर खाद्य संकट में क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, काफ़ी दिनों तक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। अब भारत में खाद्य असुरक्षा का ऐतिहासिक वितरण तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। हम भारत में जो खाद्य असुरक्षा के कारण है उसमें सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, क्योंकि वर्तमान में भारत की लगभग 1/4 जनता गरीबी से जूझ रही है। अब ऐसे में धन की कमी के कारण वो पोषण युक्त भोजन खरीद नहीं पाते और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और भारत में जो है ना पारंपरिक गुणवत्तापूर्ण खाने के स्थान पर अब अधिक भोजन खाने को महत्व दिया जाता है। लोग कहते हैं कि खूब खाओ, इतना खाओ कि पेट फुला लो, मोटे हो जाओ, तगड़े हो जाओ, तो ये गलत है।
कम खाइए, गुणवत्तापूर्ण खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए ताकि उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, फाइबर हो, मिनरल हो, रफेज हो, ताकि उससे आपके बॉडी के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो सके और आप जो है अच्छे से जीवित रह सके। ठीक है, कुछ लोग धार्मिक रुझानों के कारण मांसाहार नहीं खाते हैं, जैसे कुछ लोग अंडा नहीं खाते हैं, जबकि अंडा सबसे सस्ता उत्पाद है जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यह भी एक तरह से खाद्य सुरक्षा का कारण है भारत में। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? या फिर ऐसा भी हो रहा है कि गरीबियों की पहचान ही नहीं हो रही है, सरकार जो है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को कम दाम में भोजन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो बंदा अनाज उठा रहा है वो गरीब है? अभी आप गाँव में जा करके देख लीजिए, अगर 50 आदमी बीपीएल एपीएल अंत्योदय किसी भी योजना का लाभ ले रहा है तो उसमें से 35 आदमी अमीर है, जिसके पास गाड़ी है, बाइक है, टू दो दो मंजिले घर है, लेकिन फिर भी वो क्या सरकार के घर में गरीब है। तो ये गलत डेटा दिया गया है, गलत डेटा की वजह से क्या हो रहा है कि सही गरीब की पहचान नहीं हो पा रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, COVID-19 और खाद्य संकट, वो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा है कि इसमें कहा गया है कि 7 अरब 80 करोड़ आबादी के पेट को भरने के लिए, 7 अरब 80 करोड़ आबादी के पेट को भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में विश्व भर में भोजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिदिन 82 करोड़ से अधिक लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। मतलब प्रतिदिन 1 अरब लोग प्रतिदिन किसी न किसी वजह से भूखे रहते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि COVID-19 संकट की वजह से 4 करोड़ लोग और 82 करोड़ तो जो है सो है, 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग गरीबी के शिकार हो जाएंगे और उनको भोजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय धारणा, तो देखिए ऐसा है कि अब खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा वाला ये ऊपर जाएगा, ये मैंने गलती से यहाँ डाल दिया, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो बाजार में खाद्यान्न की जो उपलब्धता है ना, वो सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है, और उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं इसके लिए हम बाजार में कहाँ से आएगा खाद्य, कहाँ से आएगा अनाज, कहाँ से आएगा, उसके लिए खेती करनी पड़ेगी, उसके लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर जो मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर जो खेती करके जो अनाज उपलब्ध होगा उसको मंडी में लाना पड़ेगा, तभी तो बाजार में खाद्यान्न आएगा। अब जब खाद्यान्न बाजार में आ जाएगा तो उसको लोगों तक पहुँचाना भी तो होगा। आया या नहीं आया समझ में? अब खाद्यान्न जब बाजार में आ गया तब ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको परचेज कर सके। इसके लिए सरकार या तो ये करे कि सरकार सीधे सीधे बोल दे कि भैया आप परचेज कर लो, या फिर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मार्केट से चावल खरीद के, गेहूं खरीद के आपको कम दामों पर देंगे। ऐसा होता भी है कि सरकारें जो हैं वो मार्केट से काफ़ी मात्रा में अनाज खरीदती हैं, फिर उसको साफ सुथरा करती हैं, स्टॉक करती हैं, फिर उसको 2 रुपये 10 रुपये 15 रुपये में खरीद के फिर उसको 2 रुपये 3 रुपये में गरीबों को देती हैं। तो ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इतना समझ में आया? फिर भोजन पदार्थों का अवशोषण उपयोग, खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम है ये, जिसमें ये होता है कि जो हम खा रहे हैं वो जो हमने खाया है उसका अवशोषण शरीर में हुआ या नहीं, और जो हमने खाया उसका हमने समुचित उपयोग किया या नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां ये आप लोग देख लीजिएगा, ये छोटा मोटा है, इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए शिक्षा के अर्थ और महत्वपूर्ण प्रकाश डालिए, सतत विकास को प्राप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है वो बताइए। उसके बाद सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा किस तरह से सहायता करता है, अथवा सतत विकास के लिए शिक्षा की परिकल्पना पर विचार कीजिए। इसको शॉर्टकट में समझिए दोस्तों, सतत विकास के लिए शिक्षा का मतलब है कि जो सतत विकास है, जितना मैंने आप लोगों को बताया सतत विकास के बारे में, ये जो मैंने आप लोगों को सतत विकास के बारे में बताया, जितना भी बताया, ठीक है, तो इसको हम आप समझ गए, गरीब समझा क्या या वैसे लोग समझे क्या जिसको इसके बारे में पता नहीं है? तो सतत विकास के लिए शिक्षा केवल इतना कहते हैं भैया आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, और वो प्राप्त कीजिए सतत विकास को ध्यान में रखते हुए। आपको जानना है सतत विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके विकास, इसके विचार क्या है, और एक तरह से इसके इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, इसकी क्या कमियां हैं, यही सब चीज़ें आपको जाननी है, और वो जाननी है सतत विकास के लिए शिक्षा के माध्यम से। इसको शायद बोलते हैं ESD, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ESD बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सतत विकास के लिए जो शिक्षा है इसमें बताने की क्या आवश्यकता है भाई? ये तो मैंने बता ही दिया, सारी चीज़ें बता ही दी, सतत विकास का इतना प्रवचन मैंने ऊपर दे दिया आप लोगों को, दिक्कत तो कुछ होना नहीं चाहिए।
तो एक संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम था, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम था, ठीक है। और इसमें शिक्षा को, इसे शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया, इसमें यह बताया गया कि भैया देखिए आपको ज्ञान लेना है और इस ज्ञान में आपको ये जानना है कि किस तरह से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, किस तरह से आप वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते हैं और भविष्य की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसके लिए उस संसाधन को छोड़ देते हैं। तो ये सारी बातें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। बताने लायक कुछ होता तो मैं बता देता। अब आगे चलते हैं। अब है सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से सतत विकास लक्ष्यों तक के परिवर्तन की चर्चा के लिए। ये तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन 2002 था शायद, ठीक है। इसमें बेहतर स्त्री पुरुष समानता, बेहतर विकास, विश्व की जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों आदि के अभिशाप से मुक्ति दिलाने तथा एक सामान्य वृद्धि और सतत विकास को अर्जित करने के अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई थी। ये जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य था, इसमें यह कहा गया था कि देखा जाए, देखिए मतलब ये कहा गया था कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में ये कहा गया था कि गरीबी कम होनी चाहिए, निरक्षरता खत्म, सब साक्षर होने चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ कम होनी चाहिए, तो ये और फिर स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का उद्देश्य था और उसी समय 2002 होगा, ये 2002 में इसकी संकल्पना की गई थी, ठीक है। 2002 में ये था शायद रियो प्लस 10 था शायद, 2002 वाला, हाँ प्लस 10 ही था। तो ये रियो प्लस 10 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई थी, लेकिन बाद में ये 2015 में ख़त्म हो गया और 2016 के आसपास, 2015-16 में यही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बन गया था सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इतना क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो ये सतत विकास लक्ष्य था कैसे बदला, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या उद्देश्य था, ठीक है। यही है ना कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य से सतत विकास लक्ष्यों तक के परिवर्तन की चर्चा कीजिए, बता दिए मैंने। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का वर्णन किया कीजिए, वो भी बता दिया। सहस्राब्दी विकास वृद्धि तथा सतत विकास वृद्धि में क्या अंतर है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, बाद में जो ये सतत विकास लक्ष्य है, इसमें कहा गया कि गरीबी और भूख को मिटाना, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये देख लीजिएगा, जेंडर समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी लाना, मातृ स्वास्थ्य दर में सुधार, HIV एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों का मुकाबला न करना, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना, विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो 2015 में SDG के लिए निर्धारित समय अवधि समाप्त, SDG नहीं होगा, ये होगा MDG था शायद, क्या था SDG, हाँ MDG था, मिलेनियम MDG, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और सतत विकास का तो SDG का तो बता ही दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऐसा है कि 2015 में ये चेंज हो गया, 2015 में ये जो MDG था, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसकी अवधि समाप्त हो गई, इसलिए बाद में एक नया एजेंडा तैयार किया गया जिसे एजेंडा 2030 कहा गया और इसे ही SDG भी कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि SDG और MDG में अंतर क्या था क्या है। शून्य लक्ष्य, तो देखिए MDG के लक्ष्यों में क्या था कि आधे 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 अधूरे रास्ते तक पहुंचना था। MDG में स्टार्टिंग हुआ था, 2002 में स्टार्टिंग हुआ और 2015 तक बोला गया कि गरीबी खत्म करेंगे, भुखमरी खत्म करेंगे, ये सब कहा गया, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचा नहीं गया। तब उसके लिए लाया गया SDG, जिसमें कहा गया कि भैया एकदम कंप्लीट गरीबी खत्म कर देना है, एकदम कंप्लीट भुखमरी खत्म कर देना है, एकदम ऐसा है कि जो जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य रखे गए, उसको जीरो लेवल पे ला देना है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण रूप में कंप्लीट कर देना है। फिर है सार्वभौमिक लक्ष्य, यूनिवर्सल गोल्स। तो MDG में निर्णय लिया गया था कि अमीरदाताओं द्वारा प्राप्तकर्ताओं के लिए मदद, देखिए MDG में यह कहा गया था कि अमीर देश जो है गरीब देशों की मदद करेंगे, क्योंकि अमीर देशों के पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और जो क्या कहते हैं कि अमीर देश जो है वो गरीब लोगों की मदद करेंगे ताकि ये जो गरीब देश हैं ये धीरे धीरे सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करें। लेकिन बाद में 2015 में ये पाया गया
कि जो विकसित देश हैं इसमें भी समस्याएं मौजूद हैं और इन सभी समस्याओं की समाधान है, इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु SDG का होना जरूरी है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का होना जरूरी है और उसमें यूनिवर्सल गोल्स का होना जरूरी है। व्यापक MDG जो है ना, MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ये थोड़ा संकुचित था, ठीक है, इसमें उतनी सारी बातें लिखी नहीं गई थी, लेकिन बाद में जो SDG आया 2016-15 के आसपास में, वो ज़्यादा व्यापक था, उसमें बहुत सारी बातें अलग से मेंशन की गई थी। भूख खत्म करने और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात MDG में की गई थी, लेकिन MDG उतना बेहतर नहीं पाया गया, इस वजह से इसके जगह पर SDG को लाया गया, समावेशिता, इंक्लूसिविटी। तो MDG में क्या था कि MDG को जो है ना एक लाइन से एक दो लोगों ने, 10 लोगों ने, एक दो संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन जो SDG आया इसको 100 से अधिक देशों ने मिलकर तैयार किया और साथ ही ऑनलाइन लोगों ने जो परामर्श दिए उसको ध्यान में रख करके SDG तैयार किया गया। भूख और गरीबी, एक्चुअली MDG में क्या था कि गरीबी और भूखमरी दोनों को एक साथ रखा गया था, लेकिन SDG में दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। आर्थिक सहायता, MDG में क्या था कि जो MDG की जो फंडिंग होती थी, ठीक है, MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसकी जो फंडिंग होती थी वो अमीर देशों के द्वारा होती थी, अमीर देश इसमें दान करते थे तभी इसके लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन SDG में ऐसा नहीं है। SDG में क्या है कि सभी देशों को, अमीर देश ही नहीं, सभी देशों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त किया जा सके। और MDG जो है यह शांति स्थापित करने की बात उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी, लेकिन SDG में जो शांति लक्ष्य हैं या जो शांति लक्ष्य अंकित किए गए हैं वो MDG से अच्छा है। MDG का मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। डेटा क्रांति की बात SDG करता है, जबकि MDG ऐसे किसी डेटा क्रांति की बात अच्छे से नहीं करता था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो है वो MDG अच्छे से नहीं करता था, SDG अच्छे से करता था, इस वजह से ये सारी चीज़ें MDG को ख़त्म कर दिया गया और इस वजह से ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए SDG को लाया गया, जो कि कहती है कि 2030 तक किसी भी सिचुएशन में आपको क्या करना है तो सारे गोल्स को अचीव कर लेना। जलवायु परिवर्तन वैश्विक सामूहिक धरोहर की समस्या क्यों है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों जलवायु परिवर्तन की बात मैंने आप लोगों को बता दिया, जलवायु परिवर्तन क्या है, वैश्विक सामूहिक धरोहर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो वैश्विक सामूहिक धरोहर होते हैं दोस्तों वो ऐसे धरोहर होते हैं, ऐसी इमारतें होती है या ऐसी चीज़ें होती है जो कि वैश्विक महत्व के होते हैं, उसका नियंत्रण किसी देश के द्वारा नहीं होता या उस पर किसी देश का नियंत्रण नहीं होता बल्कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, UN, फिर जो UN की जो अलग अलग डिफरेंट सब संस्थाएं हैं, तो उसके जो सब ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से इन सभी वैश्विक धरोहरों का एक तरह से क्या कहते हैं कि वैश्विक धरोहरों को एक तरह से संजोया जाता है, वैश्विक धरोहरों का संरक्षण किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे एक फैक्टर है वैश्विक सामूहिक धरोहर को विनाश करने में, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि जैसे अभी अपना भारत है ना, उसमें आगरा में ताजमहल है, ताजमहल एकदम वाइट संगमरमर का बना होता था, लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से, गर्मी की वजह से और जो उसके आसपास के जो वातावरण में जो पर्यावरण या उसके आसपास के जो पर्यावरण में जो जहरीले गैस हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो गैसेस हैं ना वो क्या कर रहे हैं कि वो संगमरमर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो संगमरमर अब पीला पड़ता जा रहा है। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन एक तरह से क्या उस उतने बड़े वैश्विक सामूहिक धरोहर को क्षय कर रहा है, बेकार कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन एक फैक्टर है, ठीक है, और यही जलवायु परिवर्तन जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है तो वैश्विक वातावरण को बदल रहा है और इसके साथ ही वैश्विक सामूहिक धरोहर को भी बदल रहा है, वैश्विक सामूहिक धरोहर की स्थितियों को भी बदल रहा है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं हड़बड़ इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत देर मैं बोल चुका हूँ, 3 घंटे 2.5 घंटे हो गए होंगे आई थिंक, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे इतना पढ़ते पढ़ते, तो ये वाला देख लीजिएगा आप लोग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पश्चात 2 दशकों की यात्रा के बारे में बताइए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, एजेंडा 21 1992 में तैयार किया गया था, जैसा कि मैं आपको बता दिया, रियो डी जेनेरो, क्या रियो डी जेनेरो एजेंडा 21, इसमें हर 5 वर्ष पर समीक्षा होती थी, ठीक है, और कहा गया था कि 2021 वर्षों में हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। तो यही सारी बातें हैं, मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो देखिए 1992 में हुआ क्या, तो सतत विकास
टॉपिक पर डिस्कशन हुआ, एजेंडा 21 की घोषणा हुई और ये रियो डी जेनेरो में हुआ, इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि भैया देखिए पर्यावरणीय समझौते बहुत हो गए, अब इसमें आप प्रयास कीजिए कि वैश्विक पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बावजूद आज भी जैव विविधता का नुकसान जारी है, मछली संचय कम हो गया है, मछली लोग खूब खा रहे हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से काटे जा रहे हैं, लकड़ी काटे जा रहे हैं, लकड़ी काटने से जमीन काट पेड़ काटने से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वहाँ की जमीन की पकड़ खत ढीली हो रही है, अब जमीन की मिट्टी बालू के रूप में परिणत हो रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बालू के रूप में परिणत हो रही है, तो भूमि बंजर हो रही है, उपजाऊ नहीं रह रही है, अब जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, आप देख रहे होंगे आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन में क्या हुआ कि वो 21 साल के लक्ष्यों को उद्देश्य किया गया, फिर उसके बाद रियो प्लस टेन 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि कार्य 21 जो एजेंडा 21 था, इसके निर्धारित लक्ष्यों में प्रगति की बात की गई और इसकी समीक्षा की गई और उसमें जो समस्याएं आ रही थी उसको ठीक करने की बात की गई, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ, जो 2002 का जो सम्मेलन था, उसके मुख्य केंद्र में था स्वच्छ पानी, स्वच्छता, पर्याप्त आश्रय, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण इत्यादि, ठीक है। तो रियो टेन का जो प्रमुख परिणाम था जोहान्सबर्ग घोषणा थी, और इसमें अलग अलग नेताओं ने बोला कि हाँ ठीक है, हम प्रयास करेंगे अपने देशों में सतत विकास लक्ष्यों को लाने का। फिर बाद में 2002 के बाद, फिर धीरे धीरे 2002 के बाद शायद 2007 में भी कुछ आपको सम्मेलन हुए, ठीक है। सम्मेलन में आपको बताया गया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। फिर इधर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भी अपना चल रहा था, जिसमें कि गरीबी, लैंगिक असमानता को कम करने की बात की जाती है, और भी अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी सारे वो एक तरह से मान लीजिए सम्मेलन हुए, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए जिसके माध्यम से पर्यावरण को अनुकूल करने की बात की जा रही थी, ठीक है। उसके बाद UNCSD 2012 हुआ, ठीक है। 2012 में आपको सतत विकास के लिए नवीकृत जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है उसको सुनिश्चित किया गया। फिर रियो सम्मेलन के बाद हुई प्रगति, उसके बाद निष्कर्षों के कार्यान्वयन की बात की गई, ठीक है, और नई और उभरती चुनौतियों के समाधान की बात की गई। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर किया जाए तो मैं सीधा शॉर्ट में कहूँगा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं ये सब दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। इसका कोई मोल नहीं है, सभी देश मिलकर के सम्मेलन कर लेते हैं, बाद में होता घंटा कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास की बात इन लोगों ने की, ठीक है। आप बताइए सतत विकास जो ये करने की बात करें, ये कह रहे हैं कि औद्योगिकीकरण अच्छा होना चाहिए। औद्योगिकीकरण से आप भी देख रहे हैं कि समस्याएं आ रही है, समस्याएं क्या आ रही है, तो समस्याएं आ रही है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वेस्टेज पानियों में गिर रहा है, विषाक्त गैसें निकल रही हैं। तो ये कहने को कह देते हैं कि भाई ठीक है, हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर देंगे, हम प्रयास करेंगे कि हरित प्रौद्योगिकी लाएं, लेकिन ये लोग करते कुछ नहीं है। इस सम्मेलन में भाग ले लेते हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है, जो चीज़ें जैसी रहती है वो वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है, ठीक है। और ये एक तो ये हो गया, और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं ना, इसमें जो भी नीति निर्माण किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, क्योंकि यहाँ एक देश की बात तो है नहीं, यहाँ 50-100 देशों ने हिस्सा लिया, सबके अलग अलग फायदे हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। अब एक फैसले पर 100 देश 200 देशों का सहमत होना इतना पॉसिबल तो है नहीं, तो इस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है। इसकी वजह से जब ये निर्णय हो भी जाता है, कुछ रूल बन भी जाते हैं, तो इसके इम्प्लीमेंट होने में बहुत समय लग जाता है, इतना समय लग जाता है कि तब तक पीढ़ियां बीत जाती है। आया समझ में? आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और तीव्र वैश्वीकरण ने वैश्विक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल दिया है, और साथ ही साथ वैश्विक सतत विकास की पूर्ण प्राप्ति के लिए बड़ी चुनौती के रूप में अंतर और अंतर देश की आय समानता। अब देखिए बड़े जो देश हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, छोटे देश कम कमा रहे हैं। वैश्वीकरण से क्या हो रहा है कि बड़े देशों के समान छोटे देशों में भी कर रहे हैं, छोटे देशों के पास पैसे की कमी हो रही है, कहाँ से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा करेगा, कहाँ से सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करेगा, कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के रूल्स को फॉलो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसे की कमी है उसके पास। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, कितनी भी संस्थाएं बन जाए, कहने के लिए उनके नीति नियम कुछ अलग हैं,
निर्माण की प्रक्रिया अलग है, अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग है। अब जो वो नीति निर्माण हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, क्या वो हर एक देश की परिस्थिति को ध्यान में रख के हो रहा है? क्या गारंटी है वो हर एक देश की परिस्थिति से 100% मैच खाएगा? ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की आलोचना की जानी चाहिए। अब हरित और औद्योगिक अभिसरण प्रौद्योगिकी के अर्थ पर विचार विमर्श कीजिए। देखिए दोस्तों, हरित सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। प्रौद्योगिकी होता क्या है? तो प्रौद्योगिकी होता कुछ नहीं है दोस्तों, जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो नए नए इनोवेशन होते हैं ना, जो नई नई चीज़ें आती है, तो प्रौद्योगिकी वही है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले साइकिल चलता था, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ, धीरे धीरे चेंज होते होते आज मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल पर भी चेंजेज आता गया आता गया आता गया, कार बन गया, हेलीकॉप्टर बन गए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रौद्योगिकी का ही एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें नवाचार होता है, नए नए इनोवेशन होते हैं, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स ऐड करके कुछ नई नई चीज़ें बना दी जाती हैं। ठीक है, और ये वास्तव में मानव मस्तिष्क का, मानव मन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम है। ठीक है, प्रौद्योगिकी जो है लोगों को कुशल बनाने में मदद करता है, चीज़ों को अधिक समझदारी से करने की अनुमति देता है, और जो कि पहले संभव नहीं होता था। प्रौद्योगिकी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, तकनीकों, कौशल विधियों, उपकरणों, कच्चे माल और प्रक्रिया के संग्रह को संदर्भित करती है। प्रौद्योगिकी को हम मशीन, कंप्यूटर, उपकरणों और कारखानों में भी लागू करके देख सकते हैं, और ऐसा होता भी है। प्रौद्योगिकी के मदद से ही सारी चीज़ें की जाती है। प्रौद्योगिकी वो ज्ञान हो सकता है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि कैसे किसी उत्पाद को उत्पादित किया जाए, कैसे किसी समस्या का हल किया जाए, कैसे किसी जरूरत को पूरा किया जाए, या फिर कैसे किसी की इच्छाओं को पूर्ण किया जाए। इतना क्लियर हो गया, तो प्रौद्योगिकी समझ गया। अब मुद्दा है हरित प्रौद्योगिकी। तो हरित प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना जो कि अच्छा हो, किफायती हो, फायदेमंद हो, कॉस्ट कटिंग हो, मतलब कम पैसे में हो जाए। तो हरित प्रौद्योगिकी यही कहती है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, अच्छा हो, कम समय में ज़्यादा काम कर दे, और उसके बाद कॉस्ट कटिंग हो, मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। तो यही है हरित प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हरित प्रौद्योगिकी के बारे में भी आप समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ अलग अलग रामायण लिखे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इतना समय नहीं है कि मैं इतना बता पाऊँ, अभी भी मेरे ख्याल से 10 पेज बचे होंगे बताने के लिए। अब अभिसरण प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं। तो जो हरित प्रौद्योगिकी है वो पर्यावरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो अभिसरण प्रौद्योगिकी है वो कंप्यूटराइज्ड प्रौद्योगिकी होती है, जैसे नैनो चिप, उसके बाद कंप्यूटर्स हो गए, आपको कंप्यूटर के अंदर लगने वाले हार्डवेयर हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तो विज्ञान से संबंधित, मान लीजिए विज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना, तो वो वैज्ञानिक अभिसरण प्रौद्योगिकियाँ कहलाएंगी, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे काम किया जाए, हम ये जानते हैं कि डिजिटल चीज़ों को कैसे बनाया जाए, हम ये सीखते हैं कि नैनो चिप कैसे बनता है, फिर उसके बाद आपको बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स कैसे बनते हैं। तो ये सब अभिसरण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। मोबाइल कैसे बनता है, हम कृषि में मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभिसरण प्रौद्योगिकी में जानते हैं। जैसे कृषि में हम किसी पत्ते को कोई बीमारी, पत्ता सूखने लग जाता है, हम फोटो खींच लेते हैं, मोबाइल से देख लेते हैं कि हाँ इस पौधे को ये बीमारी हो गई। तो ये क्या है, अभिसरण प्रौद्योगिकी है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, या फिर आप ये देख लीजिए मशीन देख लीजिए, आप मशीन जो कार्स होती है उसमें सेंसर लगा दिए, मोबाइल को ही देख लीजिए, मोबाइल में कितना सारा सेंसर है। तो ये सेंसर क्या है, ये अभिसरण प्रौद्योगिकी का एक अंग है, अभिसरण प्रौद्योगिकी ही है। ठीक है, अब हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताओं और श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएँ, उच्च दक्षता ऊर्जा, मतलब कम पैसा लगे, ठीक है, और ऊर्जा अच्छा होनी चाहिए, कम पैसे में ऊर्जा दक्ष होनी चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा का हास्य नहीं होना चाहिए, संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए। ठीक है, इनर्जी आउटपुट इज इक्वल टू इनर्जी इनपुट तो होना ही चाहिए। तो ये है आपका पहला वाला नियम, ऊर्जा दक्षता, उच्च ऊर्जा दक्षता और संसाधनों का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है कम लागत, इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में, हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में लागत कम होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ उसमें कम पूंजी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, द्वितीय प्रदूषकों के गैर प्रजनन में, ये जो हरित प्रौद्योगिकियाँ होती है ना, इसके इस्तेमाल से द्वितीय प्रदूषक जो होते हैं ना, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, तो उनके प्रजनन को रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, अब ऐसा है कि देखिए भैया, पुराने जमाने में, पुराना अगर लकड़ी को जलाते थे, लकड़ी को जलाने से क्या होता था,
ये गंदगी फैलती थी, एक तो धुआं फैला, लकड़ी का राख हुआ, ठीक है, फिर जब लकड़ी कटी अलग, तो ये सारी समस्या थी। अब मान लेते हैं हम उसके जगह पे हमने सीएनजी का यूज़ कर दिया, तो सीएनजी में क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, खाना भी बन गया, काम भी हो गया मेरा, लकड़ी भी नहीं जला, सारी चीज़ें बच भी गई, किफ़ायती भी हो गई, लोगों हमें फ़ायदा भी हो गया। तो यही है द्वितीय प्रसंस्करण, यह तो एक तरह से क्या हुआ, ये फ़ायदा हुआ हरित प्रौद्योगिकी का, ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा और या सामग्री का उपयोग, हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ऐसा होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इससे क्या होता है कि एक तरह से मान लीजिए कि पैसे बचते हैं, फिर उसके बाद ऊर्जा का हाथ से ज़्यादा नहीं होता है, और हम ऊर्जा का हाथ से कर भी देते हैं तो हमें उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। और हरित प्रौद्योगिकी जो है यह एक तरह से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी होना चाहिए, ठीक है। हरित प्रौद्योगिकी की श्रेणियाँ क्या है, तो निगरानी और मूल्यांकन प्रौद्योगिकियाँ होती है कुछ, जो देखती हैं, जैसे मान लेते हैं आपको एक तरह से मान लेते हैं बारिश होने वाली है, ठीक है, तो बारिश होने वाली है इसका पता कैसे चलता है, मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा देता है, तो वो उसके लिए उसने निगरानी और मूल्यांकन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से उसे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भैया यहाँ पर इतनी बारिश हो, यहाँ पर बारिश होने वाली है और इतनी बारिश होने वाली है, पहले ही पर्यावरण विभाग मौसम मानसून विभाग वाले बता देते कि यहाँ पर इतनी बारिश होगी, रेड अलर्ट जारी कर देते कि इतना बारिश हो सकती है, आप लोग सतर्क करें। तो वो कैसे होता है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने इस्तेमाल किया उसे हम लोग निगरानी और मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कहेंगे, ठीक है। निवारण प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि एक तरह से कोई समस्या है, ठीक है, जैसे मान लेते काफ़ी बारिश के बाद बाढ़ आ गया, बाढ़ आने वाला है, ठीक है, अब बाढ़ जो आने वाला है, तो अब बाढ़ तो आ गया, अब इसका निवारण कैसे हो, ठीक है, उसमें जिन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग होगा, जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा, उसे हम निवारण प्रौद्योगिकी कहेंगे। मान लेते हैं एक तरह से ऐसा मान लीजिए बाढ़ के निवारण के लिए हम तटबंध बंधवा देंगे, ठीक है, और तटबंध को बंधवाने के लिए हम क्या करते हैं, जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं या और भी अन्य टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या निवारण प्रौद्योगिकियाँ, उपचारी और पुनर्नवीकरणीय प्रौद्योगिकियाँ। तो अब ऐसा है कि बाढ़ आ गया, काफ़ी सारा नुकसान हो गया, काफ़ी सी सारी चीज़ें टूट गई, घर टूट गया, नदी नदी के वजह से बालू वालू भर गया घर के आसपास, तो उसको ठीक करने के लिए जिन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होगा तो वो उपचारी प्रौद्योगिकियाँ कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी का घर था, उसके घर के ऊपर से टीना उड़ गया, जो ढक्कन जो ऊपर से जो ढका जाता है वो उड़ गया, तो उसको ठीक करने के लिए हथौड़ी कांटे इतनी इत्यादि जो भी प्रौद्योगिकी जिन भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उसे हम उपचारी और पुनर्नवीकरणीय प्रौद्योगिकियाँ कहेंगे, नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ। तो ये ऐसा है दोस्तों कि यह एक तरह से वे खत इसको मैं बताने के लिए थोड़ा सा समय लूँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अच्छा सा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल भाई याद आ जाओ। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं आपने आरओ वाटर देखा होगा, आरओ फिल्टर देखा होगा, तो वो क्या करता है, पानी में जो मौजूद गंदगी है उसको फिल्टर कर देता है, तो पानी में मौजूद जो गंदगी उसको पूरा तो क्लियर नहीं कर सकता, हाँ इतना नियंत्रित कर देता है कि आप उसको पी सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है, वो क्या है भाई, वही नियंत्रण प्रौद्योगिकी है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया, या फिर आप ये देख लीजिए कि क्या कहते हैं, किसी 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 जगह पर ईंट भट्टे की चिमनियों के ऊपर में लगा दिया जाता है जाली, ताकि वो जो धूल कण है वो ज़्यादा बाहर पर्यावरण में ना जाए, तो ये सब नियंत्रण प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आई होप समझ में गए होंगे आप लोग। अब आगे सतत विकास के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं विस्तार से बताइए, तो ये तो बताने लायक है नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही सब बता दिया था क्या लक्ष्य थे। पहला था कि नए विकास का सृजन करते समय प्राकृतिक संसाधनों के रिक्तिकरण को कम किया करना, पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना विकास को सतत व सुरक्षित बनाना, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं और परियोजनाओं के में विकास करने के लिए मौजूदा विकास का पुनः संयोजन करना, ठीक है, विश्व भर में गरीबी का उन्मूलन, यह सतत विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, गरीबी खत्म कर दी जानी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, यह भी एक लक्ष्य था, लक्ष्य है अभी भी है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, सभी को स्वच्छ जल मिलना चाहिए, सभी स्वच्छ रहें, ठीक है, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण का समर्थन किया जाना चाहिए, और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज को आने देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सतत विकास का लक्ष्य
है, ठीक है, सबको उत्पाद सबको रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम उत्कृष्ट कार्य तो मिलना ही चाहिए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सब तक होनी चाहिए, सभी तक होनी चाहिए, जेंडर समानता होनी चाहिए, लिंग कोई लिंग का विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल निवासियों का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, इसका एकदम शॉर्ट सा आंसर मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, यहाँ पर एक प्रजाति सुपारी की पाई जाती है जिसको आप नट्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब नट्स जो है ये बंगाल में नहीं मिलता, आप बंगाल की तरफ चले जाइए इसका पेड़ नहीं होता है, ठीक है, उड़ीसा की तरफ शायद चले जाए तो वहाँ पेड़ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कोई बंदा उधर का इधर आ जाएगा, ठीक है, और उसको उसको हम वो पेड़ दिखा देंगे नट का पेड़, तो क्या वो उसका संरक्षण कर पाएगा? उसको कैसे पता चलेगा कि इसको कि कैसे रखा जाता है, किस कैसे इसको पकाया जाता है, कितने समय तक ये मतलब पेड़ जो है कितने समय तक पेड़ फल देता है, या फिर कैसे उसको पता चलेगा कि ये है क्या, ये नट है सुपारी है क्या है फलाना है ढिमकाना। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण में ही ना वो पेड़ पाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वहाँ के मूल निवासियों का महत्व काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि भैया तुमको नट्स का संरक्षण करना है सुपारी का संरक्षण करना है, तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस पर्यावरण में ये पेड़ जो है किस पर्यावरण में जीता है, इस पर्यावरण में इसको कितनी पानी चाहिए कितनी मात्रा में चाहिए। तो ये इस तरह से क्या है कि जो मूल निवासी का होना बहुत जरूरी है। जैसे बांस, बांस हमारे इलाके में मिलता है, ठीक है, आप उधर चले जाइए, आप क्या कहते हैं उड़ीसा में भी शहरी क्षेत्रों में बांस देखने को नहीं मिलता। आप किसी को बांस का संरक्षण करने दे दिया जाए तो बेचारा कैसे करेगा बांस का संरक्षण, दिक्कत है, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। तो आया समझ में? पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल निवासियों का होना आवश्यक है, क्योंकि मूल निवासियों को ये पता होता है कि कोई भी चीज़ पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं उसका उसको कैसे रखा जाना चाहिए, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना जाना चाहिए, कितना उसको कितना यूज़ करना चाहिए, कितना रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मूल निवासियों को ही पता होती हैं, ठीक है। पौधे के संरक्षण में सहायता कौन कर सकता है? मूल निवासी ही तो कर सकते हैं ना। उसके बाद ये हो गया, फिर विलुप्त प्राय जो खत्म होने वाले प्रजाति हैं, अब कुछ कुछ प्रजातियां खत्म होने वाली है और वो प्रजाति एक ही जगह पर पाई जाती है, अब बाहर से कोई उसके संरक्षण के लिए आएगा, उसको पता ही नहीं होगा भैया इसको संरक्षण करना कैसे, इसमें खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, कुछ भी नहीं पता। तो उसको जानने के लिए उसको लोकल व्यक्ति को पकड़ना तो पड़ेगा, जो लोकल लोग हैं वही ना बता पाएगा भैया इसको कितना खाद देना है, कितना कितना पानी देना है, कितना दिन ये जिंदा रहेगा, कितने दिन में मर जाएगा। तो मूल निवासी का होना अत्यंत आवश्यक है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब वैकल्पिक संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभ क्या है। मान लेते हैं ऊर्जा के अगर हम गैर नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो बेकार मतलब जिसका जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाए तो फिर वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम उसी का कोई विकल्प यूज़ कर लें, जैसे मान लेते हैं हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं कोयले से, अब एक समय के बाद कोयला ख़त्म हो जाएगा, भैया बिजली पैदा कैसे होगी, दिक्कत है, तो उसके लिए कोई एक वैकल्पिक ऊर्जा तो होना चाहिए। तो वैकल्पिक ऊर्जा क्या हो गया? सौर ऊर्जा। सूर्य की रोशनी तो खत्म नहीं हो रही ना भैया। तो वैकल्पिक ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभ हम इस तरह से लिख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल। मान लेते हैं पहले जो है क्या कहते हैं, पहले प्लास्टिक की थैली चलती थी, ठीक है, प्लास्टिक की थैली को हम 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रख दें, ठीक है, पृथ्वी में रख दें, मिट्टी में रख दें, तो वो गलेगा नहीं। लेकिन अब उसके जगह पर क्या आ गया, कागजों का बैग चल रहा है, जूट का सन का बैग चल रहा है, पटसन का बैग चल रहा है, जो कि कुछ समय के बाद गल जाता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब है कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। तो यह वैकल्पिक संसाधन का यह फायदा हुआ। पुनर्चक्रिया, मान लेते हैं यह बैग है, ठीक है, जो बैग हम कागज़ बैग है जो या जूट का बैग है, इसको हम एक बार चाहें या 10 बार चाहें उतना बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक के बैग को उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पुनर्चक्रिया होने से क्या हो रहा है कि यह हमें पर्यावरण में लाभ दे रहा है। ऊर्जा रक्षक, कागज़ और जूट का बैग हम बार बार उपयोग करते हैं तो यह पर्यावरण के अनुकूल भी है और यह विशाल मात्रा में ऊर्जा को बचाने में सहायता भी करता है कि नहीं? एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्लास्टिक बार बार हम बनाएंगे, प्लास्टिक से शरीर को नुकसान होगा एक तो, दूसरा पर्यावरण में जहाँ जाएगा वहाँ पर्यावरण को ख़त्म करेगा, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाएगा। अगर हम उसी कागज़ का इस्तेमाल करते हैं सड़ जाएगा गल जाएगा, कोई फर्क नहीं है। इतना समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, सतत विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए भैया, सतत विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका होती है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको इग्नू का देता हूँ। अगर इग्नू का इंटरेस्ट सतत विकास में नहीं होता तो क्या वो आज BPAG 174 प्रोग्राम लॉन्च करती?
बिल्कुल नहीं करती अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो ये आप एक तरह से देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। आया या नहीं आया समझ? तो अगर बढ़ावा दिया जा रहा है इसका मतलब कुछ तो बात होगी। तो विश्वविद्यालयों की भी भूमिका होती है। विश्वविद्यालय क्या करते हैं? सतत विकास पर या किसी भी टॉपिक्स पर खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ज्ञान निर्माण करते हैं, फिर तकनीकी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय जो है सामाजिक प्रगति में सहायक होते हैं और इसी वजह से विश्वविद्यालय के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। और इसी वजह से विश्वविद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में, प्राप्त करने में। ठीक है, विश्वविद्यालय में क्या होता है? भविष्य के नेताओं से भाषण दिलवाया जा सकता है, निर्णय निर्माताओं से भाषण दिलवाया जा सकता है, स्टूडेंट के बीच में डिस्कशंस करवाए जा सकते हैं, बताया जा सकता है भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। तो ये सब बातें, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये सतत विकास के लिए शिक्षा, ये मैं पहले ऊपर में बता चुका, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ESD, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि ये इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा दी जाती है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, यह भी एक तरह से ESD ही है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं भी आप लोगों को सतत विकास के बारे में ही शिक्षा दे रहा हूँ। विश्वविद्यालय ने जो BPAG 171 का कोर्स लॉन्च किया है, यह भी सतत विकास के माध्यम से ही, सतत विकास की शिक्षा ही दी जा रही है आपको, ठीक है, BPAG 174 के माध्यम से। तो इतना क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि कमी नज़र आती है तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और इसकी जो PDF है ये आप लोगों को मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग 9523779253। और आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे @mohnisaryan_, ठीक है। और आप चाहें तो www.ignutipsassignment.com पे जा करके भी ये गैस पेपर PDF परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए ये आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा, ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये जो इंस्टा है इसको आप लोग फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अभी के वीडियो में इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय।